नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस क्लास के लिए, आज के हमारे सेशन के लिए। हम इस सेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए सेशन में हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके लिए एक तो बुक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी आपको बुक से पढ़ना है एमपी पटवारी परीक्षा के लिए। इसके अलावा आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का, कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सामान्य प्रबंधन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो हर एक का टॉपिक वाइज जो है सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का लेवल क्या रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको सिलेबस के साथ बताते जाऊंगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो कितना पढ़ना, उनके क्वेश्चन के आंसर, जीके में कैसा जीके पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है कि एमपी जीके भी पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पार्ट ए में मिलेंगे। पार्ट बी में आपको मिलेंगे कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है और कब करना है और कितनी करना है, ये सारी बातें हम पार्ट बी में तय करेंगे। पार्ट बी में हम ये भी देखेंगे कि आपको कोई ऑनलाइन कोर्स लेने की आवश्यकता है या नहीं है, नहीं है तो क्यों और है तो क्यों, उस पर ही हम डिस्कस कर लेंगे। पार्ट सी में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने की, यानी कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम एग्जाम को सफल तरीके से पास कर पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी, जैसे आपने देखा हो किसी फिल्म में देखते हैं, जैसे मान के चलते हैं बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, तो बाहुबली जो फिल्म थी उसमें वो क्या करते थे, पहले एक अपनी रणनीति बनाते थे कि हम कौन से व्यू की रचना करेंगे, दुश्मन पर वार करेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो एक रणनीति हमें भी बनानी है, ये भी एक युद्ध के समान ही है, ये परीक्षा एक युद्ध के समान ही है और हमें रणनीति बनानी है कि कैसे कैसे हम सब्जेक्ट को तैयार करेंगे और उन सब्जेक्ट में हम जो है जीत हासिल करेंगे, नंबर लाएंगे, तो नंबर लाना ही हमारी जीत है। तो एक स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं, कैसी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्यों परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, दूसरी चीज हम घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आठ सब्जेक्ट हैं एमपी पटवारी में, आठ सब्जेक्ट हैं, उन आठ सब्जेक्टों को एक साथ कवर करके कैसे चले या उनको मैनेज कैसे करना है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कम टाइम में तैयारी कैसे कर पाए इसकी बारे में जानकारी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट इस वीडियो का होने वाला है वो ध्यान करना, वो है डूज एंड डोंट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसमें हम क्या बात करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या आपको बिल्कुल करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना, अगर वो कर देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। और आपके अन्य जितने भी और एक्स्ट्रा जो सवाल हैं वो सभी के उत्तर सेक्शन पार्ट, हम सेक्शन सी में देने वाले हैं, यानी कि हमारी जो वीडियो है तीन पार्ट में बट चुकी है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो चलिए पार्ट ए को शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो मैं 100% बोल रहा हूं वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसको ऐसी स्थिति आ चुकी है कि करो या मरो वाली स्थिति है, कि मुझे पटवारी की जॉब चाहिए चाहिए है, मुझे इस साल जॉब चाहिए चाहिए है, अगर आपकी भी स्थिति ये है तो वीडियो को देखना। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो 5 साल बाद कर लूंगा, अगली पंचवर्षीय योजना मेरी जब आएगी तब कर लूंगा, तो वीडियो को छोड़ दीजिए और उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनकी उम्र हो चुकी है, जो 30-30 साल के हो चुके हैं, 32-32 साल के हो चुके हैं, या फिर जो आपसे बड़े हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, उनको पता नहीं है कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, या जो नए न्यू कमर हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नए नए आए हुए हैं और उनको बस उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, बस 1-2 साल ग्रेजुएशन के हो चुके हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। कुल मिलाकर उनके साथ शेयर करना है जो पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर इस वीडियो को कर देना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो का पहला सेशन और पहला पार्ट, पार्ट ए। पार्ट ए में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस बुक से पढ़ना है, मैं सारी बुक की लिस्ट आपको दे देने वाला हूं। पार्ट ए में सबसे पहले हम हर एक विषय की बुक्स को देखेंगे, उनके बारे में भी समझते चलेंगे थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सामान्य हिंदी बुक के बारे में, हम आठों सब्जेक्ट की बुक को कवर करेंगे यहाँ पर, और कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सामान्य हिंदी की आप यहाँ पर दो पुस्तकें दिखाई दे रही है, एक है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसमें लेखक का नाम याद रखना ओमकार नाथ वर्मा, ओमकार नाथ वर्मा की ही बुक लेना है, क्योंकि ये बुक आपके लिए एमपी एसआई में भी काम आ जाएगी, पटवारी में भी आ जाएगी और अन्य परीक्षाओं में भी आ जाएगी।
लूसेंट की अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अरिहंत की लेना, मैं आपको प्रेफर करता हूं, क्योंकि लूसेंट में कुछ टॉपिक अवेलेबल नहीं है जो अरिहंत में मिल जाते हैं, तो वो एसआई और अन्य एग्जाम्स को भी कवर कर लेगी, क्योंकि एसआई में कुछ ऐसे दो चार टॉपिक पूछे जाते हैं वो जो लूसेंट में अवेलेबल नहीं है, तो अरिहंत लेना ठीक रहेगा आपके लिए। दूसरी है, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास सामान्य अंग्रेजी का। सामान्य अंग्रेजी के लिए आप अरिहंत की ही एसपी बख्शी लेखक है उनकी पुस्तक को ले सकते हैं। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें रूल्स भी दिए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और उनको समझाया भी गया है, तो ये एक एमपी एसआई और एमपी पटवारी दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। और अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप व्यापम का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एमपी पटवारी का ऐसा सिलेबस हो चुका है कि उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। एसआई में भी जाओगे तो यही सब्जेक्ट मिलेंगे, पटवारी में भी जाओगे तो यही सब्जेक्ट मिलेंगे, कांस्टेबल में जाओगे तो भी यही सब्जेक्ट मिलेंगे, वनरक्षक के लिए जाओगे तो भी यही मिलेंगे, और जेल प्रहरी के लिए जाओगे तो भी यही मिलेंगे, और अन्य कोई एग्जाम आएगा तो भी यही सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। यानी कि आप पटवारी की अकेले की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सारे एग्जाम्स की ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं, तो अरिहंत की ये बुक ले सकते हैं। लूसेंट का अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगर ऐसी ये वाली बुक आपके पास है जनरल इंग्लिश की, तो ये भी ले सकते हैं। दोनों में से आपको कोई भी ज्वाइन करना है वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए ध्यान रखना कि सामान्य विज्ञान का जो लेवल आता है, मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, ये आपके पेपर का नाम है, और उसके अंतर्गत जो है संयुक्त भर्ती हो रही है। कैसी भर्ती हो रही है? संयुक्त यानी कि मिलाकर भर्ती हो रही है। अब याद रखना कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो साइंस का जो लेवल आता है थोड़ा सा बढ़ के आता है, अच्छे लेवल का आता है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े आते हैं, बाकी मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना कि आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, या फिर अगर आप स्पेसिफिक एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ पाए या आपके पास कोई और भी एनसीईआरटी बेस्ड हो तो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, एनसीईआरटी का सार मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की पुस्तक का। इसके अलावा मैंने इसकी एक पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप पेपरलेस स्टडी टेलीग्राम चैनल को एक बार चेकआउट कर लें। सामान्य गणित की पुस्तक की बात करते हैं, तो सामान्य गणित की पुस्तक के लिए जो लेवल की अगर बात की जाती है तो आप आर एस अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आर एस अग्रवाल की ये बुक आप ले सकते हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि हम अगर रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की पुस्तक ले सकते हैं, अरिहंत की कई सारी पुस्तक आती हैं, आप ऐसी पुस्तक को लीजिए जिसमें लगभग लगभग 33 चैप्टर हो, 30, 33, 35 इतने चैप्टर होने चाहिए मिनिमम। उसमें क्या रहेगा कि उसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका हमेशा रीजनिंग की एक ही बुक आपको हमेशा काम आती रहेगी, आपको दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि ऐसी बुक लेने से आपको आपके पटवारी के एग्जाम का तो हो ही जाएगा, पटवारी के अलावा एसआई और अन्य एग्जाम के साथ जो केंद्र स्तर की परीक्षाएं होती हैं लाइक एसएससी वगैरह की परीक्षा, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगी। तो आप ऐसी पुस्तक को खरीदें जिसमें आपको पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको वेस्ट ना जाए, आपको कहीं ना कहीं लाभ प्रदान करे। तो आप रीजनिंग की अरिहंत की ही पुस्तक खरीदिए, लेखक से फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान की बात करते हैं तो दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकों में से कोई भी एक ले सकते हैं, परीक्षा मंथन भी ले सकते हैं या एक्सीड की बुक ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप परीक्षा मंथन लें। परीक्षा मंथन में पूरा सिलेबस है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, और उसको आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपको सब चीजें मिलेंगी। एक बात याद रखना, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो एमएस ऑफिस से बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, और यहां पर अगर देखा जाए तो एमएस ऑफिस का पूरा एक चैप्टर यहां पर आपको मिल जाएगा। एमएस ऑफिस के साथ अन्य जो चीजें हैं या अन्य क्या कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक आएंगे, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर परीक्षा मंथन की बुक प्रेफर कर सकते हैं। परीक्षा मंथन की बुक बहुत ही एक सरल भाषा में है। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो मैंने इसी बुक के शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स हमारे पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से। इसके अलावा अगर सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो ये पुस्तक तो आई थिंक कि हर एक जो एस्पिरेंट होता है, जो तैयारी करने वाला होता है, उसके पास होती है। अब इसमें से पढ़ना क्या है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि इसका सिर्फ स्टैटिक पार्ट पढ़ना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसका सिर्फ स्टैटिक डाटा पढ़ना है। स्टैटिक डाटा का मतलब यह नहीं है कि इस बुक का विविध वाला पार्ट, विविध वाला चैप्टर अलग है, लेकिन बुक में से स्टैटिक ढूंढना वो अलग है। जैसे इतिहास का भी स्टैटिक होता है, साइंस का भी स्टैटिक होता है। साइंस का स्टैटिक कैसे, जैसे हमने कहा कि खैर है तो जीके, लेकिन साइंस का अलग सेक्शन है इसका। तो जैसे जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित एक कोई क्वेश्चन आ गया, करेंसी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, कोई डेट पूछ ली आपसे कि भैया आपको बताना है कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है,
ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो ये स्टैटिक डाटा होता है, स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर रहे, जो चिगे ना, जो आगे फिर पीछे ना हो, मतलब जो बदलता नहीं है वो स्टैटिक कहलाता है। तो कैसे, जैसे कोई संस्था हो गई कि भैया जेनेवा कहाँ पर है, जेनेवा का मुख्यालय कहाँ पर है, या सॉरी आपके जो जेनेवा से मैं जितने भी मुख्यालय हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीजें क्या है ध्यान रखना है। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप इस प्रकार की पुस्तक ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और बाकी हम और आगे स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, उसमें सब कुछ सामान्य ज्ञान का कवर कर लेंगे। और कुछ पढ़ना है? बिल्कुल, और कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, एमपी जीके भी आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। एमपी जीके से प्रश्न बन सकते हैं और हो सकता है कि एमपी जीके, अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है कि सामान्य ज्ञान में सिर्फ सामान्य ज्ञान आएगा कि एमपी जीके आएगा कि करंट अफेयर्स ही आएगा, तो अभी ये कुछ डिस्क्लोज नहीं है। कितने नंबर का आएगा ये भी डिस्क्लोज नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो पिछला अगर ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का देखा जाए तो आप 50-50 मान लीजिए, ये कि 12-12 नंबर, 10 या 12 नंबर का आप जीके मान लीजिए, 10 नंबर का आप मान लीजिए एमपी जीके, और 2-3 नंबर का आप मान लीजिए करंट अफेयर, 2 से 3 नंबर का करंट अफेयर मान लीजिए। तो टोटल लगा हुआ कि मिलाकर अगर देखा जाए तो 25 नंबर तक का जीके आपसे पूछा जाएगा। अब इसके ऊपर जो स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बुक की, जो है कि सामान्य प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन की बुक आपको जल्दबाजी में किसी भी बुक को नहीं खरीद लेना है, जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। सामान्य प्रबंधन की बुक के लिए आप एग्जाम पीडीएफ पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं। इस बुक में आपको सारे के सारे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर मिल सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इस बुक के चैप्टर में जो भी होगा, ये 10 दिसंबर को ये बुक आपके लिए मिल जाएगी। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको ये करवा देगी अरेंज। इसके अलावा जल्दबाजी ना करें, सामान्य प्रबंधन के पीछे ज्यादा मत भागे। सामान्य प्रबंधन की हमारी डिटेल क्लास आपको मिल जाएगी। सामान्य प्रबंधन की अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर डिटेल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हमारा जो पहला पार्ट था किस बुक से पढ़े, वो हमने कवर कर लिया। हमने टोटल 8 सब्जेक्ट की 8 बुकों को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भाई एक लाइक कर देना। अब बात करेंगे हम कि टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है इनका, मतलब हर एक सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, हिंदी में क्या क्या टॉपिक आएंगे, अंग्रेजी में क्या क्या टॉपिक आएंगे, सामान्य प्रबंधन में क्या क्या टॉपिक आएंगे, कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो उन सभी टॉपिक पर हम एक एक बार क्या कर लेते हैं, निगाह डाल लेते हैं, देख लेते हैं और उन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं हम सामान्य हिंदी से। देखिए, सामान्य हिंदी की बात करते हैं, ये बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। पूरी डिटेल क्लास आपको मिल जाएगी, चिंता ना करें। और आपको नहीं भी चाहिए क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। सामान्य हिंदी की अगर बात करते हैं, सामान्य हिंदी में अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आप मान सकते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के इस टॉपिक में आपसे राजभाषा, विभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, लिपि, बोली इत्यादि पूछे जाएंगे। वर्णमाला की अगर हम चैप्टर की बात करते हैं, वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत आपसे स्वर पूछे जाएंगे, व्यंजन पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित भेद पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्लुत स्वर होता है, कौन सा संयुक्त तो व्यंजन है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। कौन सा उष्टाकार है, कौन सा वृत्ताकार है, कौन सा वृत्ताकार, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्तनी में आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द छांटने रहेंगे, कोई आपको गलत शब्द वर्तनी गलत करके लिख के दे दिया, मान के चलते हैं आपको ऐसा शब्द लिख के दे दिया कि ये सही है या गलत है, या गलत है तो कौन सा वाला, अगर ऐसे मात्रा चढ़ा दी आशीर्वाद पे, इस पे मात्रा चढ़ा दी, अब आपसे पूछा कि कौन सा वाला सही है, तो आपको बताना रहेगा कि ये सही है गलत है, या जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसके आधार पर आपको आंसर देना रहेगा। फिर बात करेंगे तत्सम और तद्भव की। तत्सम और तद्भव से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, पिछले बार भी आया था तो हो सकता है इस बार भी आए, और ये स्टैटिक डाटा है, ये बिल्कुल आना ही आना है। इनको आप एक एक घंटे में कवर कर सकते हैं, एक एक 1.5 घंटे की वीडियो में पूरा कवर हो जाता है। साथ ही में उपसर्ग प्रत्यय की अगर बात करते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से आपके प्रश्न बनेंगे। उपसर्ग प्रत्यय में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, इनसे प्रश्न बनने वाले हैं। इसके अलावा युग्म शब्दों की बात करते हैं, जो जोड़े वाले शब्द होते हैं उनसे प्रश्न आते हैं। ये जोड़े वाले प्रश्न कैसे होते हैं या कैसे प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार या पिछली परीक्षाओं में, इनकी पूरी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। सभी की पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट कर दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो युग्म शब्द वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यायवाची, विलोम, इन सभी के प्रश्न मिल जाएंगे।
जो जितने भी चैप्टर में यहाँ पर लिख रहा हूँ सभी के मिल जाएंगे। इसके अलावा मुहावरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लोकोक्तियां हैं, लोक में प्रचलित जो उक्तियां हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं, वो आपको पूछे जा सकते हैं, उनके अर्थ पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहेगा रस, छंद, अलंकार और काव्य। अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर किया तो रस, छंद, अलंकार, काव्य आएगा, और रस, छंद, अलंकार, काव्य आएगा मतलब आप समझ लेना कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है हिंदी का। बाकी अगर ये आता है तो नॉर्मल पार्ट है, और रस, छंद, अलंकार, काव्य आपको एकदम इजी टॉपिक है, बिल्कुल 4 से 5 घंटे की क्लास में आपका ये पूरा कवर मैं करा देता हूं। वाक्य शुद्धि की अगर बात करते हैं, वाक्य शुद्धि में कोई वाक्य आपको गलत दिया जाएगा और उसको आपको सुधार करके 4 ऑप्शन में से देखना होगा कि कौन सा सही है। वाक्य भेद में आपको 2 प्रकार के वाक्य भेद दिखेंगे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य से संबंधित, या नकारात्मक, इस प्रकार से जो भी वाक्य होते हैं सभी प्रकार के वाक्यों से प्रश्न बन सकते हैं, या वाक्य रूपांतरण से भी प्रश्न बन सकते हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो, संयुक्त वाक्य को मिश्रित में बदलो, इस प्रकार से प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। विराम चिन्ह से प्रश्न आ सकता है कि ये कौन सा चिन्ह है, इस चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, या फिर एक कोई वाक्य दे दिया जाए और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें कहा जाएगा कि कौन से वाले ऑप्शन में सही तरीके से विराम चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक हो जाएगा। समास एवं समास विग्रह से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपको पता है 6 प्रकार के समास होते हैं, उनको पढ़ना है आपको। संधि एवं संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रकार की संधियां होती हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक को ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कालक, कारक, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस पर टॉपिक पर ज्यादा बोझ नहीं डालना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मैं हर एक की एक एक घंटे की, 2-2 घंटे की क्लास देखूं, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है इनमें से, ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या में आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा इनमें से पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कैसे आते हैं, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम से आ सकते हैं, हो सकता है वाक्य शुद्धि से दे दे, हो सकता है विराम चिन्ह से दे दे, तो कोई खाली स्थान वाला एक पैटर्न बन सकता है कि खाली स्थान भरने को आपको दिया जाएगा। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये वाला टॉपिक MPSI के लिए है, पारिभाषिक शब्दावली, लेकिन आप अगर आपने पढ़ा है कभी पिछले एग्जाम्स में, कभी भी तैयारी करते टाइम पढ़ा है, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। मध्य प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रचना एवं रचनाकार पूछे जाने की संभावना है। ये 3 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, ये आ नहीं सकते, लेकिन संभावना इनकी बन सकती है, क्योंकि सामान्य हिंदी में कोई सिलेबस नहीं दिया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो हिंदी में आप कौन कौन से टॉपिक जो है मैं टिक कर देता हूं, ये टॉपिक तो आपको 100% पढ़ के ही जाना है, इन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ देना। पहला टॉपिक आपका हो जाएगा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और ये 8वा, इसके अलावा 9वा, 10वा और 11वां, ये टॉपिक आपको करना ही है। लिंग, वचन, काल, कारक से, व्याकरण से बहुत कम प्रश्न कर दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है इससे भी जाए, तो ये टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी जो टॉपिक बताए हैं उनको ऐसा नहीं है छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, उनको थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट यानी कि सामान्य अंग्रेजी के ऊपर। सामान्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, यानी कि आपको खाली स्थान भरने को दिया जाएगा। अब ये खाली स्थान भरने वाले हो सकता है मॉडल्स से पूछ ले, हो सकता है प्रीपोजिशन से पूछ ले, हो सकता है किसी कंजंक्शन से पूछ ले, या आर्टिकल से पूछ ले, डिटरमिनर से पूछ ले, किसी से ही पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट आपका ये वाला चीजें कवर कर लेगा, ये डिटरमिनर, आर्टिकल, मॉडल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये वाला कवर हो जाएगा। टेंसेस से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और टेंस से प्रश्न आते हैं एरर डिटेक्शन में। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि एक आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, अब सेंटेंस में कुछ गलती कर दी जाएगी, कुछ त्रुटि कर दी जाएगी, उस त्रुटि को आपको देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन में उसमें गलती है, तो वो ऐसे एक प्रश्न आ सकता है, आना ही है, आ नहीं सकता, आएगा ही। प्रीफिक्स सफिक्स से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रीपोजिशन से आराम से प्रश्न 100% 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। प्रीपोजिशन से 100% जो है 1 से 2 या 3 भी बन सकते हैं, एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं ना, तो वो आपको देखना है। कंजंक्शन से प्रश्न 100% आएगा। डिटरमिनर, मॉडल्स और आर्टिकल्स, इनसे आप समझ लीजिए कि 5 से 7 क्वेश्चन बनने वाले हैं, मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलिए। ये 4-5 टॉपिक से ही 7-8 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप एक बात बता दीजिए, मैं आपको जब आगे टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि कौन से पार्ट को कितना पढ़ना है, तो आप समझ चुके हैं ना यहां पर कि आपको किस किस पार्ट को आप जल्दी कवर कर सकते हैं। आप अगर मैं बताऊं प्रीपोजिशन की, अगर 2 से 3 क्लासेस ले लेते हैं अच्छे तरीके से, 2-3 घंटे की क्लास ले लिया आपने, तो आप 1 नंबर 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो आप पहले वो करने का प्रयास कीजिए जिसे आप थोड़ा जल्दी कर पाए, मतलब जल्दी कवर करने का, जल्दी कैच कर पाए, जो टॉपिक जल्दी कवर हो जाए और नंबर ज्यादा दे।
में टाइम कम लगे नंबर ज्यादा दे, टॉपिक में टाइम कम लगे नंबर ज्यादा दे, तो समझिए कि नंबर ज्यादा हो जाएंगे और टाइम कम रहेगा आपके पास, मतलब कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर रहे हैं आप। तो ध्यान करना है ऐसे टॉपिक पर विशेष रूप से आपका नजर होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको बिल्कुल विशेष रूप से कर लेनी है। तो ये प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमिनर, मॉडल्स, आर्टिकल और एडजेक्टिव, इनसे 7-8% 100% है, गारंटी के साथ बनेंगे। साइनो एंटो से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साइनो का मतलब होता है समानार्थी, एंटो का मतलब होता है विलोम शब्द। तो कोई मान के चलते हैं आपको दे दिया एक शब्द, मैं एक इजी सा शब्द ले लेता हूं, मैंने कहा कि नियर, आपको ऑप्शन आएगा कि आपको इसका एंटोनेम्स बताना है या आपको इसका जस्ट अपोजिट वर्ड देखना है कि कौन सा ऑप्शन में अपोजिट वर्ड है। तो आप नियर का क्या अपोजिट वर्ड दे सकते हैं? तो आई थिंक कि दूर, नियर मतलब पास, दूर मतलब फार, फार मतलब जो दूर है चीज हमसे। तो ऐसे प्रश्न या नियर का कोई सिनोनेम हो वो आप बता, वो से पूछ सकते हैं, चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 100% 1-2% पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे तरीके से कर लेना, बहुत ईजी टॉपिक है, 2-2 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं पूरे रूल्स के साथ। प्रैक्टिस भी आपको करनी है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन यहां से बनेंगे, पंक्चुएट से क्वेश्चन बनेंगे और पैसेज जो है 5 नंबर का पैसेज आएगा। तो ध्यान कीजिए ये 5 नंबर के नंबर तो फ्री के हैं, लेकिन याद रखना कि ये फ्री के कब हैं, अभी नहीं है फ्री के, फ्री के तब हैं जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप सोचते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है, अरे ये वाला तो वो है कि यहाँ पर कुछ 4 लाइनें लिखी होंगी, 10 लाइनें लिखी होंगी, 4 एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन्हीं इसी में से तो आंसर देना है, वो तो हम दे ही देंगे, यही सोचते हो ना कि वो तो हम दे ही देंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो हम कर ही लेंगे। भाई नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे रहा, अगर आपने 5 में से 3 नंबर आए तो आप सबसे बड़े मूर्ख बन जाएंगे। तो मूर्ख ना बनने अभी समय है, सुधार सकते हैं गलती को, 3 की जगह अपन 5 में से 5 लाएं, फ्री के नंबर है ये, कैसे लाएं? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप सोचोगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वो तो अपठित होता है, वो तो किसी ने पढ़ा ही नहीं होता है। जब प्रैक्टिस करोगे बार बार, जब क्वेश्चन गलत होंगे, 3 आएंगे कभी आपके क्वेश्चन, 3 बनेंगे सही, तो आप देखोगे कि 2 गलत क्यों हुए, उसका कारण जानोगे, कारण जानोगे फिर सुधार करने का प्रयास करोगे, हो सकता है अगली बार फिर 3 आ जाए, फिर प्रयास करोगे, फिर आया प्रयास हुआ तो अगली बार 4 आ गए, अगली बार फिर 4 आ गए, फिर पता चले 3 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर 5 ही 5 आ रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके सुधार होता है। तो सुधार करने की प्रक्रिया करनी है आपको, वो हम पूरी आगे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। बात करते हैं सामान्य गणित, तीसरे टॉपिक के बारे में। तो याद रखना कि ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये सिलेबस मैंने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 जो पिछले एग्जाम 2017-2018 में पेपर हुए थे उनके आधार पर इस सिलेबस को लिया है। बाकी मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर इन टॉपिक्स को खुद से टाइप किया है, मैंने अपनी टीम से भी टाइप नहीं करवाया कि आपको एक भी टॉपिक गलत चला जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस में, हम सामान्य गणित की बात करें तो सामान्य गणित में हमने 2 तरीके से इसको पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है? 2 तरीके से। देखिए अगर एग्जाम का लेवल इजी आता है, देखिए मैं दोनों तरीके की बात कर लेता हूं, और एक इजी आता है और एक मॉडरेट आता है, क्योंकि हार्ड एग्जाम तो आता नहीं है इसका। व्यापम के सबसे अगर मैं मानता हूं एग्जाम, तो सबसे ठीक ठाक लेवल के एग्जाम आते हैं, एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के आते हैं, बस कंपटीशन ज्यादा है, क्वेश्चन कठिन नहीं आते, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए सिलेक्शन होने में समस्या होती है। वो कंपटीशन को पार कैसे कर सकते हैं? तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ पार कर सकते हैं, बेस्ट बुक से पार कर सकते हैं, बेस्ट मेंटर की गाइडेंस के साथ पार कर सकते हैं। देखिए भाई साहब, मैं यहां पर बैठा हूं, हमारी टीम अलग अलग जगह पर बैठी हुई है, अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। अब मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि मेहनत तो आपको ही करनी है, मेहनत मैं नहीं करूंगा आपकी जगह पर, हम आपको गाइड करेंगे भाई ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। ये गाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वो स्थितियों से 8-8, 10-10 साल पहले गुजर चुके हैं और हमें उस चीज का एक्सपीरियंस है, इसलिए गाइड कर रहे हैं। हमें पता है कि इस रास्ते पे कांटे डले हुए हैं, इस रास्ते पर पत्थर हैं, अगर नंगे पैर जाओगे तो कांटे चुभ जाएंगे, तो हमको पता है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ध्यान कीजिए कि हमें जानकारी है उस रास्ते के बारे में, इसलिए आपको मेंटरिंग करने का, आपको गाइड करने का काम कर रहे हैं। चलिए अब सामान्य गणित को हम बात करते हैं, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। कैसे कैसे? एक इजी पार्ट, एक मॉडरेट पार्ट। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो एग्जाम हुआ था उसमें ये टॉपिक पूछे गए थे। मैंने 8-10 पेपर देखे, 8-10 शिफ्ट के पेपर देखे और मैंने देखा कि सभी टॉपिक्स में ये टॉपिक कॉमन आ रहे थे, सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक कॉमन थे। कौन कौन से? बहुपद से संबंधित प्रश्न। तो बहुपद से जैसे x2 + 2x + 1 इस प्रकार से बराबर में 0 एक इक्वेशन वगैरह दे दिया, या इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा
ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हो सकता है अवनियन उनियन कौन से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रायिकता से संबंधित, प्रायिकता में दो तीन तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है पासे से पूछ ले, हो सकता है सिक्के से पूछ ले, हो सकता है बॉल से पूछ ले कि ये एक थैले में चार तरीके की बॉल डली हुई है, ये दो पीली है, एक नीली है, एक लाल है, अब एक निकालनी है तो क्या प्रायिकता होगी। हेड टेल की प्रायिकता पूछ सकता है, ताश की प्रायिकता पूछ सकता है कि ताश की एक 52 पत्तों की गड्डी है, उस पत्ती गड्डी में से एक इक्का निकालने की या चार इक्कों में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। बार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बार का मतलब समझ रहे हो ना, वो वाला बार नहीं, डिस्को वाला बार नहीं, बार ये वाला बार, ये जो ऊपर लगा है मैथ वाला बार, ठीक है। तो ये बार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माध्य और माध्यिका, माध्य माध्यिका मीडियन मोड रेंज, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो क्या है कि ऐसे ये बहुत सरल टॉपिक है, इतना सरल टॉपिक है कि 15 मिनट का भी टॉपिक नहीं है भाई साहब, 15 मिनट का, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो कहेगा है सर ये सर यहाँ क्या आ रहा है, क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, ऐसे बात करते हैं जब एग्जाम आ जाता है। तो कठिन नहीं है, एक बार पढ़ दो, 15 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा हम आपको पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। माध्य माध्यिका का जो टॉपिक है वो आपका 15 मिनट का है और एक नंबर आपका पक्का यहां से 100% है। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आते हैं दो तरीके के, एक आता है 2D पैटर्न और एक आता है 3D पैटर्न। 2D पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आपका आयत हो गया, त्रिभुज वगैरह हो गया इस प्रकार से, या फिर छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं क्षेत्रमिति से संबंधित, जो मेंसुरेशन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2D 2D वाले देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम 3D की बात करते हैं तो शंकु वगैरह आपको है, अर्धगोला है, बेलन वगैरह है, घना वगैरह, इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपको वहां पर बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अर्धगोला, शंकु इत्यादि प्रश्न आपको 3D में बन जाएंगे। ज्यामिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वृत्त वगैरह से, रेखा से, रेखा एवं कोण से, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यामिति से बनेंगे। समीकरण से संबंधित प्रश्न, कुछ समीकरण दे देंगे आपको, एक्स और वाई की मान निकालने को कह सकता है, या इस प्रकार के मान, ऐसे प्रश्न आपको मैथ में पूछे जाएंगे। साथ ही में द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए थे, तो इन्हीं को आपको टॉपिक को ध्यान से एक बार कर लेना है। अब ये तो हो गए थोड़े से क्या एडवांस टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने जो आपको बुक बताई है आर एस अग्रवाल में, ये सारे टॉपिक आपको अधिकतम मिल जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक छूटता है या कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप हमारी टीम को संपर्क कीजिए और वो हम आपको टॉपिक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामान्य गणित में, सामान्य गणित में जो सामान्य से प्रश्न है जो आने ही आने हैं, अगर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाला जो पिछले पैटर्न का पेपर आया तो ये टॉपिक 100% आएंगे ये इस साइड वाले, और अगर पटवारी का जो 2017 में पेपर हुआ था उसके अनुसार पेपर आया तो ये वाले टॉपिक ज्यादा आएंगे। तो हमें नहीं पता कि कौन सा आना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को प्रिपरेशन करके चलेंगे और दोनों की तैयारी करेंगे। दोनों की तैयारी करने से फायदा समझिए, दोनों की तैयारी करेंगे तो आपका कांस्टेबल एग्जाम 100% श्योर है। कांस्टेबल एग्जाम की 7,500 वैकेंसी है, इसके अलावा बंधक चक की, जेल प्रहरी की एवं अन्य जितनी भी परीक्षाएं आ रही है, छोटी छोटी जो परीक्षाएं हैं सभी आप एग्जाम्स में मैथ आता है और मैथ को आपको कवर कर लेना है यहां से। तो सरलीकरण बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से काफी सारे प्रश्न आते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं और इजी तरीके से कर सकते हैं आप इनको। घात घातांक करणी से प्रश्न आते हैं, एलसीएम एससीएफ से प्रश्न आएंगे, औसत से, एवरेज से आएंगे, मिश्रण यानी कि एलिगेशन वगैरह आपको मिल जाएगा, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रतिशत जो परसेंटेज है उससे क्वेश्चन, ब्याज इंटरेस्ट से, सीआई और एसआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, समय और दूरी और कार्य एवं समय, ये दोनों टॉपिक आ सकते हैं। अब कार्य एवं समय में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, समय एवं दूरी में आप मान सकते हैं कि अलग अलग नाव वाला है या फिर ना ट्रेन वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं, तो आप फिर आप कहते हैं सर नाव वाला क्या करना है, ट्रेन वाला उसके लिए अलग से वीडियो बनाओ, तो वीडियो नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब बात करते हैं हमारे तीसरे विषय के बारे में, तीसरा विषय हमारा है सामान्य विज्ञान। बिल्कुल वीडियो को देखो, वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोगों को लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है और कुछ लोगों को लगेगा सर यार बोरिंग हो रही है, तो ध्यान रखना कि अगर आपको अगर लग रहा है कि बोरिंग हो रही है तो ध्यान करिए कि आप अभी पढ़ाई के मूड में नहीं है, आप अभी पढ़ाई के बिल्कुल मूड में नहीं है। लेकिन जिसको लग रहा है कि मुझे जानना है कि क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, मैंने क्या है कि इन टॉपिक को हर एक को एनालिसिस किया है, पिछले एग्जाम्स का देखा है, इस एग्जाम का देखा है, सभी एग्जाम्स को देखकर मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया, और मैं ऐसे ही बता देता तो अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, क्या मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई ऐसी चीज, आपको ऐसी चीज दे दूं कि मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्या दे दूंगा आपको ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक बढ़िया चीज दूं, जो दूं कम दूं लेकिन मैं बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं दूंगा। सामान्य विज्ञान में तीनों टॉपिक आ सकते हैं,
बुक में बता चुका हूँ एनसीईआरटी के सार संग्रह वाली ले सकते हैं। भौतिक रसायन और जैविक विज्ञान की अगर बात करते हैं, तीनों टॉपिक आएंगे। इसके टॉपिक्स में से क्या है, ये टॉपिक थोड़े वास्ट हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा फैला हुआ है। इसमें अगर एक मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा, तो ये बता पाना संभव है ही नहीं है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे आ सकते हैं, तो मैंने एक डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दी है। उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा। उसको पीडीएफ को पढ़ लीजिए एक बार, उस पीडीएफ को पढ़ने में चाहे आप 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 घंटे दे रहे हैं ना, तो गारंटी आपकी ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिपीट होके प्रश्न आते हैं। कैसे रिपीट होके प्रश्न आते हैं, तो जितने भी मैं प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ भेज रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पीडीएफ बनाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है भाई साहब, उनको इकट्ठा करना, पीडीएफ को मिलाना, जोड़कर एक जगह बनाना, फिर आपके साथ शेयर करना, कि आपको परेशानी नहीं हो। आपको सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, आम को काट रहे हैं, छील रहे हैं, और आम का बिल्कुल पीस निकाल के आपके मुंह में डाल रहे हैं कि भाई तू सिर्फ आम का पीस खा, आपको छीलने की, बाजार से लाने की, धोने की कोई समस्या नहीं। सब हम करेंगे आपके लिए, मेहनत हम करेंगे, गाइड हम करेंगे, बस आपको खाना है। मतलब जो आपकी तरफ की मेहनत है वो आपको ही करनी है, वो हम नहीं कर सकते। आपके बदले का एग्जाम हम देने नहीं जा सकते, नहीं तो हम ही चले जाते और आपको पटवारी बना देते ना। चलिए, तो पेपरलेस स्टडी टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसका पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक पार्ट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी एक सीमा नहीं है, खतरनाक भी इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि एक सीमा नहीं है। जीके की कोई सीमा नहीं होती। जनरल नॉलेज मतलब बहुत वास्ट टॉपिक, मतलब इसमें इतना है, इतना है, इतना है कि पता नहीं कितना है ना। इसका कोई था नहीं, अथाह है, ये अथाह है, मतलब कोई इसको छू नहीं सकता, कि इसको पूरा कोई ज्ञाता बन नहीं सकता इसका। ये जीवन भर में कम पड़ जाएगा, जीवन भर पढ़ते रहोगे तो भी कम ही रहेगा। स्टैटिक जीके की अगर बात करते हैं, तो आपको सामान्य ज्ञान में 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, 3 भाग पढ़ने हैं। एक पहला पार्ट है आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में आपका पहले तो जो लूसेंट का जो विविध वाला पार्ट है वो कवर कर लेना। इसके अलावा जैसे मैं मान के चलता हूं, इतिहास से संबंधित जो कुछ फैक्ट होते हैं जो बदलने नहीं है, या कि जैसे युद्ध हुए, कि कौन सा युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किस सन में हुआ, किन के बीच में हुआ, ये स्टैटिक डाटा, ये बदलेंगे नहीं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के ये स्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म का इसने किसने किया था, कौन से युद्ध में किसने भाग लिया था, तो ये इतिहास से संबंधित स्टैटिक डाटा हो गया। इसी प्रकार से ज्योग्राफी से संबंधित स्टैटिक डाटा ले लीजिए, कि कौन सी कंट्री की कैपिटल क्या है, कौन सी कैपिटल की करेंसी क्या है, कौन सा देश किसके आसपास स्थित है, या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लूसेंट में जो बॉक्स बने होते हैं ना, आपने लूसेंट कभी पढ़ी होगी तो उसमें बॉक्स बने होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्टैटिक डाटा रहता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है, मैंने ये गौर किया हुआ है। तो ऐसे ज्योग्राफी से छांट लीजिए, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में से देख लीजिए। ज्यादा फोकस मत करना इस सब्जेक्ट पर, इस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं। आपको सलाह मानना है, मानिए, नहीं मानना है, नहीं मानिए। देखिए है क्या, ये 25 नंबर का पार्ट है, समझना बात को, एक बात समझ लेना, अगर सलाह अच्छी लगे तो बताना। 25 नंबर का पार्ट है, सभी टॉपिक 25-25 के आने, ये भी एक संभावना है, ये कंफर्म नहीं है कि 25 का ही है, ये भी एक संभावना है, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो पिछली बार हुआ था वो 25-25 के 8 पार्ट आए थे, तो हम सोच रहे हैं कि ये अभी भी 25-25 का आएगा, ये संभावना नहीं है, संभावना है, कंफर्म नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं सभी पार्ट 25-25 के हैं, तो हम इतने बड़े पार्ट को ज्यादा टाइम क्यों दें, हम और पार्ट पर टाइम दे देंगे, क्योंकि उनमें नंबर खिंच सकते हैं, उनमें नंबर हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम उतने इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। अगर आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आज के डेट में अगर आप 25 क्वेश्चन को देने बैठ जाओ, थोड़ा दिमाग लगा के दे दो, आपने 2-4 महीने भी पढ़ा हो, 1 महीने भी पढ़ा हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको अगर ज्ञान है हर चीज का, तो आपके 12-13 नंबर आराम से आ जाएंगे। 12 नंबर आज लिख के देता हूं मैं, कह रहा अगर तुक्के लगा के आओगे ना, 12 में से 25 में से, मैं कह रहा कक्षा 5 के बच्चे को बिठा देना, 25 में से 5 से 7 नंबर तो वो भी ले आएगा, है जो पढ़ लेगा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कैसा है, ऑप्शन कैसा है, उसके भी 7-8 नंबर आ जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो ऐसे टॉपिक के पीछे जाना मत भागना। स्टैटिक डाटा की हम एक पीडीएफ आपको दे देंगे कि कहां से पढ़ना है, बाकी आपके पास बुक तो है ही, और भी कुछ ऐसी बातें हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम आगे बात करेंगे, उसमें हम कुछ चर्चा करेंगे। एमपी जीके में भी आप स्टैटिक डाटा को पढ़ सकते हैं। अब स्टैटिक डाटा एमपी जीके का क्या हो सकता है, उन्होंने कहा कि नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से मेले हैं, कौन कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं, गुफाएं कौन सी हैं, लोक नृत्य कौन से हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एमपी जीके के डिटेल स्टैटिक वाले पार्ट में पूछे जा सकते हैं। एमपी जीके की मैं आपको एक पीडीएफ यहाँ पर शेयर कर देने वाला हूँ, एमपी जीके के सभी क्वेश्चन
पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल उसकी प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, नए क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन से बस आप अनुमान लगा सकते हैं, उसका प्रैक्टिस करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, बस देख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है। तो उससे दो चीजें पता चल जाएंगी कि पेपर में प्रश्न कैसे कैसे आए हैं, और आपका एक वन लाइनर टाइप का एक रिविजन हो जाएगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया कि भगवरिया हाट का मेला जो है कहाँ पर लगाया जाता है, ऑप्शन पढ़ लिया कि हाँ भाई झाबुआ में लगाया जाता है, हमने पढ़ लिया कि जो है गोटमार मेला कहाँ लगता है, या हमने पढ़ लिया नागाजी का मेला कहाँ लगता है, या रतनगढ़ वाली माता का मंदिर कहाँ है, या फिर कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है, पीर उधान की समाधि कहाँ है, तो ये हमने पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, बस खत्म। तो एमपीजीके ऐसे कवर हो जाएगा। बाकी अगर एमपीजीके की अगर 52 जिलों की अगर आप क्लास देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका एमपीजीके की 52 जिलों की अगर आप क्लास देख रहे हैं, ये फ्री क्लास है जो कि यूट्यूब पर होती है, पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ भी आपको हम साथ में दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप इसको एक काम कीजिए 2x पर देख लीजिए, जैसे स्पीड बढ़ाने का होता है ना 1x, आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए सोच रहा हूँ ज्यादा, 1x की जगह 1.5x पर देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए 2x पर देख लीजिए, जितनी स्पीड आप में समझ में आ जाए उतनी स्पीड में करके देख लीजिए, 1.75x में करके देख लीजिए। तो थोड़े मतलब एक घंटे की वीडियो, वैसे वीडियो 30 मिनट की है, हर एक जिला 30-30 मिनट में कवर हो जाएगा, तो 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट में कवर हो जाएगी, 40 मिनट की वीडियो 20 मिनट में कवर हो जाएगी, तो कितना फायदा है आपके लिए कि 20 मिनट में आप वो चीजें भी कर पा रहे हो, उसी पीडीएफ आपको मिली रही है, तो पीडीएफ से आप उसको देख लीजिए बाद में। करंट अफेयर्स और एमपी करंट अफेयर्स का क्या करना है, तो देखिए भाई साहब ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। करंट अफेयर्स की अगर आप एक एक घंटे की वीडियो देख रहे हैं अभी, या करंट अफेयर्स को आप डेली पढ़ रहे हैं, तो डेली पढ़ना बंद कर दीजिए, करंट अफेयर्स से नंबर का नहीं आने वाला है, तो परेशान मत होइए। तो क्या करें करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपके लिए एक जो है महासंग्राम क्लास लाऊंगा, ऐसी क्लास लाऊंगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, जितना आपने पढ़ लिया है अभी तक दो काम करने हैं, जितना आपने कर लिया है वो तो आपको रिवीजन करना है, बाकी आपको एक दो क्लासेस ऐसी मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी और हमारी यूट्यूब पर फ्री भी मिल जाएंगी, जिन पर आपको क्या करना रहेगा, जिनको आपको एक बार देखना है और एक क्लास में 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास में आप कवर कर सकते हैं। या फिर करंट अफेयर के लिए क्या करिए, एक छोटी सी मैगजीन ले आइए पतली सी, जिसमें 6 से 7 महीने का करंट अफेयर मिल जाए, पतली वाली, सबसे पतली, ये नहीं देखना मोटी कौन सी है, सबसे पतली कौन सी है, और जिसमें सब इंपॉर्टेंट बातें लिखी हूँ, थोड़ा सा पलट के देख लेना और फिर उसको ले लेना। एमपी करंट अफेयर के लिए ज्यादा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, एमपी करंट अफेयर की हम पीडीएफ आपको दे देंगे, फ्री पीडीएफ है, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो और तुरंत तुरंत उसके पॉइंट पढ़ लो, ये आपका एमपी करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सामान्य तार्किक योग्यता में क्या करना है या क्या क्या इसमें से पूछा जाएगा। सामान्य तार्किक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इस स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सादृश्यता से प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। सादृश्यता का मतलब ये है कि एक जैसे दिखने वाले, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि फल फल का संबंध है अगर सेब से, तो सेब से है तो फूल का संबंध किससे होगा, फूल का संबंध किससे होगा, एक क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, 4 ऑप्शन दे दूंगा, फूल का संबंध होगा काला होने से, फूल का संबंध होगा पेन से, फूल का संबंध होगा गुलाब से, या फूल का संबंध होगा किसी अन्य चीज से, तो आपको आंसर देना है फूल का संबंध गुलाब से होगा। तो ये इजी पार्ट है, आराम से कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के भी आ सकते हैं। तो सादृश्यता आती है, सीरीज आती है, और सीरीज आती है 2-3 तरीके की। जैसे कि सीरीज में अगर देखा जाए तो एक तो नंबर्स वाली सीरीज आ सकती है, एक अल्फाबेट वाली सीरीज आ सकती है, और एक ऐसी सीरीज आती है कि नंबर और अल्फाबेट का दोनों का ही क्या कर देते हैं, कॉम्बिनेशन कर देते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं। तीसरी सीरीज और आती है जिसमें आपको नंबर्स में भी 2-3 पार्ट में उसको सॉल्व करना होता है। तो एक सीरीज से संबंधित प्रश्न आते हैं, सीरीज से संबंधित प्रश्न आपको मैथ में भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना इस बात का। साथ ही में वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है असंगत चुने, आपको 4 ऑप्शन दिए, मैंने कहा कि काला नीला सफेद और आम, आप इसमें से किसको अलग करेंगे, काला नीला सफेद आम, तो आप कहेंगे सर हम तो आम को अलग करेंगे, क्यों, क्योंकि आम अलग है, आम फल है, बाकी सभी रंग है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न, आप मेरी एक क्लास देख लोगे, मेरी एक क्लास डली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं गारंटी देता हूं, मैं इसको मुझे इस बात पे ना, कहते ना कि कभी किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, मुझे इस बात पे अभिमान है कि मेरी पढ़ाई हुई उस क्लास में से बहुत सारे लोगों के नंबर बने, बाद में मुझे मैसेज आया कि सर आपकी वजह से मेरा नंबर बन गया, मुझे अभिमान है इस चीज का, मुझे गर्व है इस चीज का। तो भाई साहब कोडिंग और डिकोडिंग की वो क्लास आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो कांस्टेबल के लिए बनाई थी, लेकिन आप देखोगे कांस्टेबल और पटवारी में सिलेबस सेम ही है, तो वो क्लास आपके काम आ सकती है। दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न अगर देखा जाए तो आते हैं,
कहते हैं कि राम पहले पूर्व में 12 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम में 10 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण में इतना गया। आप बताइए राम अभी वर्तमान में प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। रैंकिंग से संबंधित प्रश्न मिल जाएगा, व्यवस्था से भी आपको संबंधित प्रश्न मिल जाता है, वैन आरक्ष से संबंधित प्रश्न मिल जाता है, जैसे कि कुछ महिलाएं वर्कर हैं, कुछ वर्कर काम नहीं करते हैं, या कुछ वर्कर जो है कर्मचारी हैं, इस प्रकार से कुछ आपको दे दिया जाएगा। आपको वैनारिक बताना रहेगा कि कौन सा वाला वैनारिक सही है। एक तो ये वाले हो जाते हैं, एक होते हैं न्याय निगमन वाले। न्याय निगमन वाले की अगर बात करते हैं तो प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ गधे आदमी है, कुछ आदमी संतरे नहीं है। फिर आपको फिर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि या आपको कथन दिए जाएंगे उनमें, उनके अंतर्गत या निष्कर्ष दिया जाएगा कि क्या कुछ गधे कुत्ते हैं या कुछ गधे आदमी हैं, इस प्रकार से दिया जाएगा। फिर चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न मिलते हैं। लुप्त संख्या वाले प्रश्न मिलेंगे, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, बॉक्स में ऐसे डब्बे बने होंगे चार, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, कुछ कुछ होगा, ये संख्या लिखी होगी। तीसरे बॉक्स में क्या करेंगे, तीन जगह दे देंगे, एक यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और फिर चार ऑप्शन दे देंगे कि बताइए कि कौन से में इस बॉक्स में क्या आएगा। चार ऑप्शन देंगे, उन चार में से आपको एक आंसर देना रहेगा। बैठक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैठक व्यवस्था से कैसे पूछते हैं कि मान के चलते हैं कि राम, सीता, मोहन और शिवम जो है एक पंक्ति में बैठे हैं, राम इसके बगल में बैठा है, सीता उसके बगल में बैठी है, तो कौन किसके बगल में बैठा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आकृति से संबंधित प्रश्न आते हैं, आकृति से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए दर्पण इमेज आती है कि कोई इमेज दे दी आपको बताना रहेगा वो दर्पण में कैसे दिखेगी, कोई इमेज दे दी आपको बताना रहेगा कि वो जल में कैसे दिखेगी। तो दर्पण से संबंधित प्रश्न, जल से संबंधित प्रश्न, कोई आकृति दे दी और पूछा रहा आपसे कि भाई साहब ये बताना है कि इसमें कितने आयत हैं या कितने चतुर्भुज हैं या कितने त्रिभुज हैं, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। कैलेंडर एवं क्लॉक से प्रश्न आते हैं, याद रखना कैलेंडर क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हैं। अगली आकृति, अति व्यापक और कितने त्रिभुज, ये आकृति से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। अति व्यापक का व्यापक ने बहुत बार पूछा है, अति व्यापक का मतलब होता है एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देना। जैसे मान के चलते हैं एक ये आकृति है और एक इस प्रकार की आकृति है, अगर आप इन दोनों आकृतियों को ओवरलैप करेंगे, अति व्यापक करेंगे, तो कैसी दिखाई देगी। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा और ये आप आंसर लगा देना कि इस आकृति के ऊपर इस आकृति को आप ऊपर नीचे रख देंगे तो कैसी दिखाई देगी, तो ऐसी दिखाई देगी इस जैसी। तो आपको ऐसे आंसर देने रहेंगे। रक्त संबंधी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया आपकी बहन की, मौसी की, बुआ की लड़की आपकी कौन लगेगी, तो आपको बताना रहेगा। दर्पण और जल प्रतिबिंब जो मैं बता चुका हूं वो हो जाएगा। कारण, कारक परिणाम, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएं, कथन तर्क, इनकी सभी की क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएंगी, मेरे यूट्यूब चैनल पेपरलेस स्टडी पर, उनको देख लीजिए, पूरा कवर कराया गया है। दिन, तिथि, समय से संबंधित प्रश्न जो कि कैलेंडर से संबंधित है वो आपके आते हैं। तो रीजनिंग में ये सब कुछ पूछा जाएगा। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, सारे टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं, तो बिल्कुल इन्हीं टॉपिक को आपको बिल्कुल कवर करना है। इसके अलावा एक टॉपिक कोई रह गया हो तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। इनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जो मैंने बताए हैं। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान की अगर बात करते हैं, सामान्य कंप्यूटर में देखिए कंप्यूटर का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, BIOS, BIOS क्या होता है, इनपुट या आउटपुट क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, मिनी फ्रेम क्या है, माइक्रो फ्रेम क्या है, लैपटॉप में इससे संबंधित कुछ पूछा जा सकता है, या फिर सुपर कंप्यूटर से संबंधित प्रकार हो जाते हैं। विकास पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का विकास, जैसे आपको पता होगा 5 पीढ़ियों में विकास हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब वाले हैं, IC चिप वाले हैं, माइक्रो चिप वाले हैं, या फिर जो अभी चल रहे हैं IC वाले, या हर तरीके के जो जिस प्रकार से विकास हुआ है ना, जिस प्रकार से कंप्यूटर बड़ा है, पहले कंप्यूटर बड़े बड़े साइज के होते थे, अब छोटे हो गए हैं, तो हर तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर कैसी डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, मॉनिटर के क्या कार्य है, मॉनिटर क्या करता है, माउस कीबोर्ड है या फिर डिजिटल पेन है, ये पेन है, ये डिवाइस ही है, ये डिवाइस है, मैं कैमरे में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, ये डिवाइस है, अब मेरा क्या है, मेरा यहाँ से ले रहा है वहां पर आपको दे रहा है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर काम करता है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट देने का काम करता है, इन करता है, तो ऐसी चीजें हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेमोरी से प्रश्न पूछे जाएंगे कि SSD क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, मेमोरी कार्ड क्या होते हैं, या फिर S टाइप की मेमोरी से और भी कई तरीके की फ्लैश मेमोरी है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, कोबोल है, C++ है, जावा वगैरह वगैरह है, या फिर हाई लैंग्वेज जो होती है, कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज होती है या लो लेवल लैंग्वेज जो भी होंगी, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
साथ ही में सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या है, कौन कौन से होते हैं, किसका क्या काम होता है वो भी पूछ सकता है। हार्डवेयर क्या क्या होते हैं कंप्यूटर में, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड है, सीपीयू क्या है, रैम क्या है, और इनसे इनके अब्रीविएशन पूछ सकते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, ऐसे प्रश्न यहाँ से आएंगे। एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन से भी पूछ सकते हैं और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब कंप्यूटर के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं तो एक अंदाज बता देता हूँ आपको, जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, मान के चलते हैं कि जो फोटोशॉप होता है वो ये एक सॉफ्टवेयर ही ना, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया बिल्कुल बहुत ज्यादा धमाकेदार चल रहा है इस टाइम पे, ये सोशल मीडिया का समय है और बहुत मतलब तीव्र गति से सोशल मीडिया चल रहा है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित प्रश्न आएंगे क्योंकि ये आज का युग जो है इंटरनेट का युग है, इंटरनेट क्या है, कैसे शुरुआत हुई, उसके इतिहास से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अभी क्या चल रहा है, 5G से संबंधित का कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कितनी बैंडविड्थ है, कितनी क्षमता वाला है, तो ये प्रश्न आते हैं। हैकर, क्रैकर, फिशिंग, कंप्यूटर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, मतलब जो ऐसी सुरक्षाएं हैं, हैकर क्या होता है, फिशिंग क्या होती है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा मंथन में मिल जाएंगे या फिर आप हमारी डिटेल क्लास में ले सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए ध्यान रखना कि हमने एक स्पेशल चीज बनाई है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमने पटवारी परीक्षा को ध्यान रखते हुए, जैसे एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम का, चाहे पटवारी का एग्जाम हुआ हो, चाहे ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का हुआ हो, कितने प्रश्न आएंगे, लगभग लगभग 10 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसमें क्या क्या पार्ट है मैं इसको भी बता देता हूं, पहले इसमें आता है आपका एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट बोले तो पीपीटी, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं वो किस पे देख रहे हैं, वो पीपीटी पे देख रहे हैं, वो पीपीटी पे देख रहे हैं, वर्ड फाइल में हम बनाते हैं, एक्सेल में हम बनाते हैं आपके लिए डेटा। तो भाई साहब एक चीज समझ लीजिए, 10 क्वेश्चन आएंगे और इन 10 क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमने एक पूरा का पूरा प्लान दिया हुआ है, वो हम आगे बताने वाले हैं। लगभग लगभग 1500 क्वेश्चन आपको इनके हम दे देंगे, सिर्फ इन्हीं इसी इसी टॉपिक के, सिर्फ एमएस ऑफिस के, ये आपको मैं दे दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करें। आप बस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर देखिए होता क्या है कि एग्जाम में अपन जाते हैं, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझा देता हूं उस चीज को, समझना। हमने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, आपने ये चीज नोटिस की होगी, आप भी ध्यान से इस चीज को सुनना, हमने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा और हमने तुरंत आंसर लगा दिया, वो आंसर एकदम करेक्ट होता है, ध्यान रखना, उस आंसर को बदलना मत कभी भी। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसको आपने आपके माइंड में कभी पढ़ा होगा, आपको एकदम ध्यान आता है कि इसका आंसर ऑप्शन सी है, आपने टिक कर दिया ऑप्शन सी, मतलब वही आंसर है, आप फिर बदलोगे कि नहीं यार सी नहीं डी हो सकता है, डी नहीं ए हो सकता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो वो क्या होता है कि आप कभी कभी जल्दी जल्दी में पढ़ते हो ना, रीड करते हो, तो उसमें से वो चीज क्लिक करके आती है और तुरंत आप सही आंसर लगा जाते हो। तो आपको सिर्फ जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन है जो भी मैं दे रहा हूं वो आपको उचित डाटा दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 0-1 से न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती है उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर की विभिन्न भाषाएं जो कि प्रोग्रामिंग भाषा भी होती है उसी में अंदर, वो भी आपको पूछी जा सकती है। टोपोलॉजी से प्रश्न आते हैं, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इस प्रकार की टोपोलॉजी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जा सकते हैं, मोबाइल से कम ही आएंगे, कंप्यूटर से ही आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे आपका विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से, लिनक्स, यूनिक्स इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द का संक्षेप पूछा जाएगा या शब्द का डिटेल में पूछा जाएगा कि भैया ये बताना है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। शॉर्टकट कीज से प्रश्न 100% दो क्वेश्चन आपको शॉर्टकट कीज से मिलेंगे, तो ये दो पार्ट तो आपको एकदम ऐसे कर लेना है सबसे पहली फुर्सत में, सबसे पहली फुर्सत में ये दो पार्ट कर लेना, क्योंकि इससे ही 4-5 नंबर बन जाएंगे। और दूसरा ये आपको एमएस ऑफिस कर लेना, तो मैं बता रहा हूँ आपको 12 से 15 नंबर तो आपका यहीं पर कवर हो गया, 10 नंबर का आप ये मान लीजिए, एक एक दो दो नंबर का ये मान लीजिए, तो 12 से 14 नंबर का आपका ये पार्ट कवर हो गया, बाकी का 10 नंबर का आएगा। आप समझो कि कौन से पार्ट को जल्दी करोगे, आप पहले किसको दो, प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले किसको करना, तो सब कुछ है लेकिन पहले किसको करें। अब ये पहले और बाद की क्या मैटर है, देखिए हमने पहले ज्यादा नंबर का पार्ट कर लिया, मतलब हमने कर लिया 14 नंबर का कवर, बचा कितने का, 11 नंबर का। हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि हमने 14 नंबर का कवर कर लिया, 11 नंबर का कवर करना है, तो हमारे दिमाग से बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेंटल प्रेशर कम हो जाएगा, और मेंटल प्रेशर कम हुआ तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। ये हमारी एक मानसिक प्रक्रियाएं होती है, ये चलती है अंदर, लेकिन आप समझते नहीं उस चीज को, मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर आपके 14 नंबर का अगर आपने कर लिया पहले कवर, तो आपका मेंटल प्रेशर हो जाएगा कम, और मेंटल प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो आप
के जो डोपामाइन है वो रिलीज हो जाएगा, आप खुशी हो जाएंगे कि हाँ यार अब तो कुछ तो कर लिया मैंने, कुछ तो मुझे अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, तो आप कर सकेंगे और 11 नंबर भी ला सकेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप पेपरलेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कंप्यूटर में 25 में से 25 ना लाए नाम बदल देगा मेरा कंप्यूटर। सिर्फ पेपरलेस स्टडी की जो मैं 251 वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, 251 वाली, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आप, मैं गारंटी देता हूँ कि कंप्यूटर में 25 में से 25 100% आएंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे। कहाँ जाएगा प्रश्न, हर चीज से प्रश्न मिलेगा, इनपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, सबसे प्रश्न मिल जाएगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हिंदी भी ऐसा ही करा देंगे, ऐसा ही मैथ की हो जाएगी, तो चिंता मत करिए, बस लगे रहिए, डटे रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए पेपरलेस स्टडी के साथ। अगला टॉपिक है सामान्य प्रबंधन, बहुत हाइप मचा रही है सामान्य प्रबंधन, सर क्या करें क्या करें, किसकी क्लास लें, कैसा लें, यूट्यूब पर लें, पेड लें, फ्री लें, कौन सी बुक से पढ़ें, टेस्ट कहाँ मिलेंगे, भाई दिमाग खराब कर दिया। अरे इतना भी नहीं है सामान्य प्रबंधन, मैंने जैसे आपको बताया कि 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आज आप आराम से कराएंगे, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आज आपके सही हैं सामान्य प्रबंधन में, तुक्के लगा के भी आओगे ना आप, थोड़ा दिमाग लगा के तुक्का लगाओगे ना तो 12 नंबर आज आ जाएंगे 25 में से, आधे नंबर 50% आप मान लीजिए, किस्मत अच्छी रही तो 15 भी आ सकते हैं, 25 में से 15 आ रहे हैं, मेहनत कर लेंगे 5 नंबर पर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, तुक्के से कुछ नहीं चलता, मेहनत तो हमें करनी है लेकिन हमें सही तरीके से मेहनत करनी है, समझ रहे हैं। सामान्य प्रबंधन की मैंने आपको बुक बताई दी है, सामान्य प्रबंधन में होता क्या है, देखिए मैनेजमेंट प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए, किस लेवल के आएंगे वो भी समझ लीजिए। प्रबंधन की अगर बात करते हैं, प्रबंधन का मतलब होता है अंग्रेजी में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट शब्द में ही एक शब्द निकल के आ रहा है मैनेज, चीजों को मैनेज कैसे करना है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, वो चीजों को मैनेज कैसे करती है, कैसे वो संगठन करती है, कैसे वो नियोजन करती है, कैसे वो नियुक्ति करती है, अन्य लोगों को हायर करती है कि आओ हमारी कंपनी में जुड़ो, हमारा काम करो, हम तुमको ये काम देंगे, तुमको इतनी सैलरी देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे, तो बहुत बड़ी कंपनी कैसे बनती है, या फिर उनको मैनेज करने का काम कैसे होता है, वित्तीय बाजार से संबंधित चीजें, अब चूंकि क्या है कंपनी हो जाती है, बड़ी कंपनी हो जाती है, शेयर मार्केट में जाती है, ये सारी चीजें निकल के आती है, कैसे व्यापार किया जाता है, व्यापार के मुख्य आधार क्या होते हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसके ऊपर क्या मत रखे हैं, कि फ्योल ने इसके बारे में क्या कहा है, बहुत से लोग परिभाषाएं देते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब ये फ्योल ने क्या कहा या किसी ने क्या कहा, तो उनसे संबंधित चीजें अपने को पढ़नी है। अब उनसे संबंधित चीजें पढ़ने के लिए आप देखो दो तरीके हैं आपके पास, पहला तरीका है कि आप पुस्तक से पढ़ लो, अगर आपका काबिलियत है तो आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं, अगर आपको आपको लग रहा है कि नहीं मैं पुस्तक से नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं पुस्तक से पढ़ूं समझूं और फिर उसको पूरा समझ के अपने मन से समझूं, तो वो नहीं हो पाएगा, तो फिर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो कोर्स में आपको सामान्य प्रबंधन की जो ट्विंकल मैम है वो आपको पूरा का पूरा जो है सामान्य प्रबंधन कवर करा देंगे, लेकिन जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। वीडियो कोर्स आपको पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 रुपए, 999 रुपए की फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अकेला सामान्य प्रबंधन पढ़ा रहा है, टोटल 8 सब्जेक्ट कवर कराएंगे, पूरे 8 सब्जेक्ट, और आपको अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, और वो टीचर पढ़ाएंगे जो खुद सिलेक्टेड है, मैं खुद सिलेक्टेड हूं और मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा, जो और भी टीचर हैं वो सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में वो अभी काम कर रहे हैं, जब टाइम मिल जाता है तो वो आपके लिए वीडियोस बना देते हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये जो हम फीस ले रहे हैं वो भी नहीं लेते, फीस तो हम इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारे यहाँ आगे पे काम करते हैं या हमारे साथ वाले जो काम करते हैं, जो टाइपिंग का काम करते हैं, जो हमारे लिए स्लाइड बनाते हैं, जो हमारे टेस्ट बनाते हैं, उनका हम उनका पेमेंट कर सकें। बिल्कुल आप ये निकाल देना मन से कि हम कोई किसी, अगर बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता ना कि व्यवसाय कर रहे हैं, तो शिक्षक कभी व्यवसाय नहीं होता, शिक्षक कभी 999 रुपए में बताइए कोई क्या व्यवसाय कर लेगा। ध्यान रखिए इस बात का कि आपको 100% शुद्ध डाटा दिया जाएगा, पूरा आपका पटवारी का कोर्स 999 रुपए में कवर कराया जाएगा, लेकिन 999 जो फीस है ये ऑफर पीरियड में है, तो आज ही आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर आपको दिक्कत है इस कोर्स के संबंध में, कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई आपको इश्यू आता है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ 9407375009, इस नंबर पर आप कॉल मत करना, इस नंबर पे आप क्या नहीं करना, कॉल मत करना, आप इस पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सअप पे आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 9407375009, तो व्हाट्सअप पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सामान्य प्रबंधन के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या सिद्धांत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रबंध कैसे होता है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रबंध करने की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसने क्या कहा है उसके बारे में, प्रबंध के क्या सिद्धांत है, क्या विचार है, व्यावसायिक प्रबंधन, पर्यावरण क्या है, नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, संगठन कैसे बनाए जाते हैं,
ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नियुक्तिकरण कैसे की जाती है, किस बेस पर की जाती है, क्यों की जाती है और उनको फिर मैनेज कैसे किया जाता है, निर्देशन कैसे किया जाता है। जैसे मैं अपनी टीम को निर्देश देता हूँ कि भाई तुम्हें आपको सर ये वाली स्लाइड बनानी है, सर आपको ये क्लास रिकॉर्ड कर लेनी है, सर आपको ये टेस्ट सीरीज बनानी है, सर आप हिंदी में एक्सपर्ट है तो आप हिंदी की टेस्ट बनाइए, सर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट है तो आप कंप्यूटर के टेस्ट बनाइए, तो मैं निर्देश देने का काम करता हूँ। तो ये एक मैनेजर ही तो हूँ मैं, एक मैं मैनेज करने का काम तो कर रहा हूँ सबको, तो ये मैनेजिंग का काम है, नियंत्रण सभी को कंट्रोल कर रहा हूँ, व्यवसायिक वित्त जो पैसा आता है उसको वित्त को समेटना, उसको देना, समझना, ये पूरा मैनेजिंग ही है। आप अपनी लाइफ को अगर जी रहे हैं तो वो मैनेजिंग ही है, आप अपना लाइफ में वो ऐसी चीजें करते हैं, सुबह से शाम को उठते हैं, मैनेज ही तो कर रहे हैं, तो बस उसको लोड लेके मत पढ़ो कि लोड लेके पढ़ रहे हैं कि यार मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ईजी है, बस पढ़ लेना इस क्लास से हो जाएगा। वित्तीय बाजार, विपणन एवं प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण, व्यवसाय के आधार और व्यवसायिक संगठन इत्यादि इत्यादि जो टॉपिक है जो मैं है ये मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक कहीं से मिले नहीं है, ये टॉपिक हम अपने आधार पर आपको दे रहे हैं और हम इससे अच्छा आपको पढ़ाने का, हमारी जो मैम है वो इस विषय की एक्सपर्ट है तो वो आपको और अच्छे तरीके से इस चीज को समझाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला पार्ट जो था कवर हो चुका है। पहले पार्ट में हमको जानना था पार्ट ए, इस वीडियो का पार्ट ए जो है वो कवर हो चुका है। पार्ट ए में हमें क्या क्या जानना था, पार्ट ए में हमें जानना था कि किस बुक से पढ़ना है, तो हमने जान लिया 8 प्रकार की हमने बुक पढ़ ली। टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा तो हमने वो भी जान लिया। सब्जेक्ट किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कौन कौन से, मैं जैसे बेन आरएफ में कैसा पूछा जाएगा या फिर हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट का लेवल क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स पढ़ना है बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है कि एक घंटे की क्लास ले रहे, वैसे नहीं करना है। कितना पढ़ना है तो एक आध छोटी पतली सी बुक ले आओ या फिर हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें से करंट अफेयर्स का लेना, उससे हो जाएगा। सामान्य ज्ञान में सिर्फ जीके पढ़ना है, एमपी जीके तो दोनों पढ़ना है लेकिन कम कम और स्टैटिक डाटा पढ़ना है। तो पार्ट ए अब हमारा कवर हो चुका है, इस वीडियो का पार्ट ए कवर हो चुका है। पार्ट बी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पार्ट सी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको स्किप करना मत देना, उसको स्किप कर डाला ना तो आपने आपकी बाट लगा डाला, समझ गए, आपकी खुद की बाट लग जाएगी, आपने पूरी वीडियो को देखना है। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो से वैल्यू मिल रही हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो इसको एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, बता देना कमेंट करके कि हाँ सर आपने इतने देर तक चिल्लाया है, गला फाड़ा है तो हमें इससे कुछ चीजें देखने को मिली, कुछ चीजें सीखने को मिली। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की जो की है पार्ट बी। पार्ट बी के अंतर्गत हम दो टॉपिक कवर करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करें और क्या हमें ऑनलाइन प्रैक्टिस या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं या तीन तरीके आप मान लीजिए। दो तरीके कैसे हैं कि सबसे पहले आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान के चलते हैं आपने कोई टॉपिक पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, मान के चल रहे हैं आपसे कि आपने कंप्यूटर का कोई टॉपिक पढ़ा और कंप्यूटर में आप पढ़ रहे थे अभी क्या सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपके बहुत काम की है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की अगर बात करते हैं, ये टॉपिक पढ़ा, अब इस टॉपिक को पहले पढ़ लिया, सही तरीका किसी भी चीज को पढ़ने का सही तरीका कि पढ़ लिया, पढ़ने के बाद इसको रिवीजन कर लिया, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है छोटी कोई क्विज से। छोटी क्विज का मतलब यह है कि 10-15 नंबर की क्विज हमने दी है एप्लीकेशन पर, टेस्ट सीरीज में जो 251 वाली टेस्ट सीरीज है वो आप उसमें आपको हर एक टॉपिक की 10-15 नंबर की क्विज आपको मिल जाएगी, जाइए उसको अटेम्प्ट कीजिए। मतलब पहले टॉपिक पढ़ो, रिवीजन करो, फिर वहां पर जाके प्रैक्टिस करो। अब ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बहुत से लोग क्या सोच रहे हैं कि हम फुल टेस्ट लेना तो है सर, हम सर फुल टेस्ट ज्वाइन करेंगे। फुल टेस्ट कब ज्वाइन करेंगे, जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। कैसी तैयारी हो जाएगी, पूरी हम जब तैयारी कर लेंगे, जब हमारे सब 8 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे फिर हम उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। तुम्हारे पास टाइम कहाँ बचेगा मालिक मेरे, टाइम बचेगा नहीं बचेगा, सोचो। पूरी तैयारी 3 महीने में कर लोगे, वैसे तो ये तैयारी 6 महीने की है लेकिन आपको करना है पूरी तैयारी, तो टाइम मैनेजमेंट ही के लिए ये वीडियो बना रहा है। पार्ट सी में हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आपका सब कुछ काम हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिना टेंशन के आप पूरा एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो कैसे क्रैक करना है, मैंने कैसे किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, सब कुछ शेयर करूंगा इसकी वीडियो में, इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, बस वीडियो को शेयर कर देना। तो फुल टेस्ट का ऐसा नहीं है कि पूरी तैयारी के बाद आपको करना, ये सबसे गलत तरीका हो जाएगा। आपको करना क्या है कि हर चार से पांच दिन में एक टेस्ट लगाना है, एक टेस्ट, ज्यादा नहीं, एक टेस्ट। कितने नंबर का, 200 नंबर का, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो लगाइए, देखिए कि कितने नंबर आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं 200 में से 80 तो आएंगे, 200 में से 100 तो आएंगे, 200 में से 110 तो आएंगे,
अरे आने तो दो, पता तो चल जाएगा तुमको कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं जो बोलता हूँ खराब बोलता हूँ, थोड़ा सा बुरा जरूर लग जाएगा आपको, लेकिन जो है कि मैं थोड़ा हल्का सा कड़वा बोलता हूँ ना, तो लोगों को लगती है मेरी बातें वैसी कि यार सर कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन मैं सच बोलता हूँ, मुझे मैं मीठी चुपड़ी चुपड़ी नहीं दे सकता, मुझे कड़वे बोलने की आदत है, मैं सच बोलूंगा। भैया सी आ रहा है ना, तो औकात तो पता चलेगी तुम्हें तुम्हारी, कि तुम्हारी कितनी औकात है। 100 आ रहे हैं तो तुम्हें पता तो चल जाएगा, तुम तो 50% पे नहीं हो, कंपटीशन कितना है। अब इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, 80 आ रहे हैं 100 आ रहे हैं आने दो, आज 80 आ रहे हैं कल फिर और पढ़ लोगे फिर 90 आएंगे, फिर और पढ़ लोगे 95 आएंगे, और पढ़ोगे तो 110 आएंगे, फिर अगले टेस्ट में महीने भर बाद आपके 115 आने लगेंगे, 80 से 115 आपके महीने भर बाद हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगले महीने तक अगर आप देखेंगे तो आपके 130 तक पहुंच जाएंगे एक महीने में। अभी आप शुरुआत करेंगे ना, शुरुआत में नंबर बढ़ते हैं, लास्ट के नंबर बढ़ाने में थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 130 से 150 तक जाने में आपको 2 महीने वाला, 1-1.5 महीना और लग जाएगा, मतलब ये 3 महीने में आप 150 160 तक आराम से पहुंच जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 150 160 के बीच में, अगर इतना जो लेवल रहा इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, 150 में आराम से आपका, 160 में आपका आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का लेवल था, चूंकि लेवल के आधार पर कट ऑफ जाता है, तो अगर उतना कट ऑफ उतना लेवल रहा ना तो इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, 160 से ऊपर नहीं जा सकता, 150 से 160 आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। कोशिश आपको ज्यादा की ही करनी होती है, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इतना आराम से हो जाएगा, तो परेशान मत होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हर 4 से 5 दिन में एक टेस्ट लगाइए, ये तैयारी है, प्रैक्टिस कैसे करना है। 4 से 5 दिन में आपको एक टेस्ट लगाना है, फुल टेस्ट, कैसा, 200 नंबर वाला टेस्ट, उसमें 8 पार्ट रहेंगे, कितने पार्ट रहेंगे, 8 पार्ट। अब फुल टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फुल टेस्ट को आपको लगाना है, और फुल टेस्ट का 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटे में ही देना है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट दे रहे हैं बाद में दे देंगे, ऐसा ऐसा मत करना। जब आपको समय हो 3 घंटे बैठने का कि मैं 3 घंटे बैठूंगा, 3 घंटे बैठ के दूंगा, मुझे बीच में कोई काम करने नहीं जाना है, मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, 3 महीने एकाग्र चित्र होकर सिर्फ मैं यही टेस्ट देने वाला हूं, तब वो टेस्ट लगाना। उसके बाद आपको क्या करना क्या है, उसके बाद आपको उस टेस्ट का 2 से 2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है वो और समझ लीजिए, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने 200 में से अगर आपके 100% सही हुए हैं, कितने परसेंट सही हुए हैं, 100% सही हुए हैं, तो आपके गलत प्रश्न कितने हुए, 100% आपके गलत हुए, तो ये 100% जो आपके गलत हुए तो वो गलत क्यों हुए, ये एनालिसिस है, क्यों हुए, किस प्रकार के प्रश्न गलत हुए, कौन से टॉपिक के, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं आपके, उस पर ध्यान दीजिए। जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा परसेंटेज के क्वेश्चन तो मुझसे बन ही नहीं रहे, तो फिर जाइए परसेंटेज की क्लास लीजिए, तुरंत एप्लीकेशन पर पहुंचिए, परसेंटेज की क्लास लीजिए, तुरंत किताब उठा लीजिए, परसेंटेज पढ़ डालिए। अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो टेस्ट आएगा, जब आप मान के चलते हैं अभी आप 100% सही कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं, आपने प्रश्नों से गलती की, गलती करके आपने कुछ प्रश्नों को, कुछ चैप्टर को पढ़ा, कुछ की वीडियो देख ली, कुछ की क्लासेस देख ली, कुछ की टेस्ट और लगा लिए, उसको अच्छा किया, मजबूत करने का प्रयास किया, मान के चलते हैं यहां से आपके 10 नंबर बढ़ गए, एक एक नंबर भी बढ़ा ना, अगर 10 गलतियां भी आपने सुधार ली अगले चैप्टर के लिए, अगले टेस्ट के लिए, तो आपके 110 हो गए। अगली बात समझिए, बात को समझिए, ये सारा का सारा मैथमेटिकल तरीके से बता रहा हूँ, 110 हो गए, फिर आपके 90% गलत हो गए, फिर चेक कीजिए क्या गलती की रही, क्या हो सकता है कि वही गलती आपने पहले टेस्ट में की हो, वही गलती आपने दूसरे टेस्ट में कर दी हो। नोट करिए, क्या करिए, नोट करिए कि कौन से टेस्ट में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे यही करने के लिए, मैं यही करता था, मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं मैंने प्रैक्टिस की है और एनालिसिस किया है और गलतियों से सीखा है, तभी सिलेक्शन हुआ है। गलतियों से नहीं सीखूंगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाऊंगा तो नहीं होगा सिलेक्शन। मैं लिख के देता हूं कि बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं ले सकते, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं ले सकते। रिवीजन और प्रैक्टिस दो की है सफलता की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की दो ही की है, दो ही चाबी है, इनको ध्यान रखना। अब सुनो, ऐसे ऐसे करके रिवीजन करते रहना है, ऐसे ऐसे करते अपनी गलतियों से सीखना है। हम टोटल आपको पेपरलेस स्टडी पर जो 251 वाला टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके अंदर ही आपको फुल टेस्ट मिल जाएंगे। तो फुल टेस्ट का आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखेगा, एमपी पटवारी फुल टेस्ट न्यू सिलेबस के आधार पर। यहाँ पर अभी एक टेस्ट डल चुका है, ये एक टेस्ट फ्री है, ये एक टेस्ट 200 नंबर का जो है फ्री है। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी नहीं करोगे तो ये टेस्ट दे पाओगे, और इस टेस्ट को देखिए, देखिए एक बार 3 घंटे आराम से टाइम निकालिए, फिर देखिए देखिए फिर देखिए उसका सॉल्यूशन। बाद में व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना, जानना अपनी गलतियां, समझना। अगर आपको अच्छा लगे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, 251 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं एक बात बताऊं, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
टेस्ट सीरीज जो मध्य प्रदेश में प्रोवाइड कराएगा ना, वो सिर्फ पेपरलेस स्टडी कराएगा, इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं करा सकता, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। ठीक है, उसके पीछे भी एक बढ़िया कहानी है, कभी और सुनाऊंगा मैं उसके लिए। तो ध्यान रखना यहां पर शेड्यूल आएगा, अभी एक टेस्ट डल चुका है, अब शेड्यूल कैसा आएगा शेड्यूल दिखा देता हूं मैं। 23 तारीख को पहला टेस्ट डल चुका है, आज 27 तारीख है, मैं आज 27 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 27 तारीख आज संडे है, आज आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, आज शाम तक आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, आपकी एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएगा फुल टेस्ट नंबर 2। फिर 27 के बाद 1 तारीख को मिलेगा, मतलब 4 दिन का गैप हो जाएगा आपको उसी प्लान के अनुसार। फिर 1 तारीख के बाद आपको 5 तारीख को मिलेगा, फिर 4 दिन का गैप मिल गया, 5 से फिर 10 को मिलेगा, फिर 5 दिन का गैप हो गया, तो 4-5 4-5 4-5 करके ये 21 टेस्ट हो गए। और एक पेज और है इसका, उसमें 25 टेस्ट तक का पूरा शेड्यूल दे रखा है, मतलब आपका मार्च तक का पूरा शेड्यूल दे रखा है, आप पूरा अपने अनुसार कवर कर सकते हैं। अगर आपका ये डेट से निकल भी जाता है ना कि सर इस वाला तो मेरा निकल गया, क्या वो दे सकते हैं, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने 14 तारीख को ज्वाइन किया तो ये टेस्ट भी दे सकते हैं, आगे आने वाले टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया फुल टेस्ट का प्रैक्टिस करने का तरीका कि फुल टेस्ट से प्रैक्टिस कैसे करें। अब बात करते हैं कि यहां पर दूसरा फोल्डर जो है वो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट। इस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलेंगे आपको लगभग 200 टेस्ट। अभी 105 टेस्ट हमने अपडेट कर दिए हैं, 10-5 दिन में आपको सारे टेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, यहाँ पर सारे टेस्ट डल जाएंगे। तो आप चिंता मत करें, टेस्ट अभी कम है, धीरे धीरे हमारी टीम डालती जा रही है, अपलोड करती जा रही है, डेली टेस्ट डल रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, मतलब प्रतिशत का अगर आप चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं 50 क्वेश्चन, अनुपात समानुपात 50 क्वेश्चन, हिंदी में कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के कुल मिलाकर हमने 200 टॉपिक लिए हैं। समझ लीजिए कि 200 टॉपिक लिए हैं और हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन लिए हैं। गुणा कर लो, 5 × 2 = 10, ये 2 0, ये समझ लो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आपने, 10,000 प्रश्न। 10,000 प्रश्न सिर्फ किसमें, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज वाले टेस्ट में। फुल टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो 25 पूरे फुल टेस्ट हैं, 200 क्वेश्चन एक टेस्ट में मिलेंगे, 25 × 2 = 50, कितने हो गए 5,000। तो 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पहले फोल्डर में, इस फोल्डर में 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको दूसरे फोल्डर में, इसके बाद पटवारी क्विज़ में मिलेंगे आपको 250 क्विज़, तो हमने बोला है लेकिन हम आपको देंगे 300 से 400 क्विज़, तो हर एक क्विज़ में 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 10-15-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो लगभग हम आपको यहां पर लगभग मैं बता रहा हूं कि 5 से 7 हजार क्वेश्चन आपको यहां पर दे देंगे, तो 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपने रियल टीम एग्जामिनेशन से पहले 20,000 क्वेश्चन लगा लिए, मैं कह रहा 20,000 नहीं लगा पाए, चलो छोड़ो, 20,000 का 70% 80% भी लगा लिए ना, मैं गारंटी देता हूं लिख के कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे तब, क्वेश्चन गलती क्या की है क्या नहीं की है, वो प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्यों दिया है, यहां पर प्रैक्टिस इसलिए करना है कि आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। गलतियों से सीखोगे तो हो पाएगा, आप सोचोगे मैं टेस्ट लगा लूं एनालिसिस ना करूं तो नहीं हो पाएगा, मेहनत आपको करना है। तो ध्यान रखिए 20,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, साथ ही में पीडीएफ और नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये सब कुछ ये मान के चलते 20,000 क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स सब कुछ जो दे रहा हूं मैं मात्र 251 रुपए। तो कहां मिल रहा है ये, पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर। कैसे ज्वाइन करना है उसकी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि कैसे आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल। चलिए तो ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पर, ये इस प्रकार से लिखा रहेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस टेस्ट सीरीज के लिए, पूरी जानकारी आप रीड मोर पर क्लिक करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी लिखी हुई है। चलिए टेस्ट सीरीज की बात हो गई, यार की प्रैक्टिस की बात हो गई, प्रैक्टिस हमें कैसे करना है। इसमें देखिए टेस्ट भी मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, साइंस के टेस्ट मिलेंगे आपको, हर एक में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। एमएस वर्ल्ड से संबंधित बता रहा था ना, तो वर्ल्ड से संबंधित हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, समझो 50-50 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन लगा लोगे ना, इतने के आधे भी लगा लोगे ना, 50% भी लगा लीजिए ना, 50%, 100 टेस्ट है 50 भी लगा लीजिए तो सिलेक्शन है। एक्सेल के क्वेश्चन लगा लो आप 50-50, 300 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन भी लगा लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, कहाँ जाएगा। रीजनिंग के टेस्ट हैं, कंप्यूटर के टेस्ट हैं, सामान्य विज्ञान के टेस्ट हैं, रीजनिंग के हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित तार्किक योग्यता सामान्य कंप्यूटर सामान्य प्रबंधन सबके टेस्ट तो मिल रहे हैं, हर एक डिवाइस के मिल रहे हैं, हर एक तरीके से मिल रहे हैं। सरलीकरण का टेस्ट, संख्या पद्धति का टेस्ट, प्रतिशत का टेस्ट, ब्याज का टेस्ट, लाभ हानि औसत अनुपात समानुपात, कंप्यूटर हिंदी अभिरुचि संज्ञा विशेषण वचन सर्वनाम, हर एक टॉपिक का हर एक सब्जेक्ट का सब टेस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा फुल टेस्ट भी मिल रहे हैं मात्र 251 रुपए में, ज्वाइन कर लीजिए आज ही और जुड़ जाइए हमारे साथ। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें सर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं है, ये बात ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है या ऑफलाइन ज्वाइन करना है, ध्यान करना मैं दोनों की बात कर रहा हूं। इस प्रश्न के दो आंसर हैं,
इस प्रश्न के कितने हैं? दो आंसर। क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? तो इस प्रश्न का पहला आंसर है नहीं, आपको कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा आंसर है हाँ, आपको कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है। अब सर आप कहेंगे सर ये तो साफ साफ चित्त भी आपकी पट्टे भी आपकी, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए हर एक व्यक्ति की नीड अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है। हो सकता है कि मैं एक ऐसा छात्र हूं कि मैंने पहले से ही सब कुछ पढ़ के रखा है, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे सामान्य प्रबंधन आता है, मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे हिंदी आती है, मुझे रीजनिंग आती है, मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ रिवीजन करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे छात्र हैं, बिलो एवरेज छात्र हैं, आप बिल्कुल ना तो बहुत ऊंचे स्तर के हैं ना नीचे स्तर के हैं, मीडियम स्तर के हैं या आप लो स्तर के हैं, ठीक है, आप हाई स्तर के नहीं है, आप हैं मीडियम स्तर के या आप हैं लो स्तर के, देन आपको ये कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है। जो हाई पहले से ही परफेक्ट है उनको ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि नहीं ज्वाइन कर लो भाई, मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता, मैं चाहता हूं कि देखो वही ज्वाइन करो जिसको नहीं आता, सीखो उससे, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। पर हम भी क्या करेंगे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं बेटा ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, ये कर लो बेटा ये नहीं करना है, यही कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, आपको कोई डाउट होगा वो सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास में सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ये थोड़ी करेंगे कि आपका एग्जाम हम देने जाएंगे। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, ध्यान रखना। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करनी है उन छात्रों को जो मीडियम और लो कैटेगरी के हैं, वो बिल्कुल कोर्स को ज्वाइन कर ले। कोर्स मात्र 999 रुपए में पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कहां मिलेगा? पेपरलेस स्टडी। पेपरलेस स्टडी का मतलब जानते हैं, बिना पेपर के स्टडी, ऑनलाइन स्टडी हो रही ना, तो बिना पेपर के, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पर, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इससे संबंधित भी कोई क्वेरीज आपको आपके मन में आती है, कोई सवाल आता है कि सर हमें कोर्स तो ज्वाइन करना है लेकिन हमारा एक सवाल है, तो आप सवाल हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है, नंबर को सेव कर लो, इस नंबर को सेव कर लो, लेकिन कॉल मत करना क्योंकि कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो फिर आप बुरा मान जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि बुरा माने आप। व्हाट्सएप आप मुझे कर दीजिए तो मैं रिप्लाई आराम से आपका दे दूंगा, 100% व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये नंबर सेव कर लीजिए मेरे नाम से, मेरा नाम है शिवम नीकरा, मेरा नाम है शिवम नीकरा, और मैं वर्तमान में शिवपुरी जिले में कहां पर, शिवपुरी जिले में मैं पोस्टेड हूं, और यहीं से मैं आपके लिए वीडियोस क्लासेस जब रात होती है, दिन होता है, या जब भी मुझे समय मिल जाता है, जैसे आज संडे है तो दिन में मुझे टाइम मिल गया तो मैं दिन में वीडियो बना देता हूं या रात को वीडियो बना देता हूं, तो इसलिए मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पाता, समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्योंकि मैं ऑलरेडी पटवारी हूं। तो हम क्यों कह रहे हैं हम हैं पटवारी, अब आपको बनाएंगे पटवारी, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं, कोर्स जरूर चेंज हुआ है लेकिन तरीका नहीं बदला है। एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे क्वालिफाई किए जाते हैं, मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कि, और मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ मैंने 4 से 5 साल मैंने अनअकैडमी पर पढ़ा है, आपने अनअकैडमी का नाम सुना होगा, अनअकैडमी पर मैंने पढ़ाया, पेपरलेस स्टडी में 4 से 5 साल से चला रहा हूं, तो समझ लीजिए कि हमें एक्सपीरियंस है टीचिंग का, हमें एक्सपीरियंस है अपने छात्र जीवन का, हमें एक्सपीरियंस है असफलताओं का, हमने उन असफलताओं से सीखा, अब हम उस असफलता से आपको सिखाएंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है, आप ये गलती करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आप असफल हो, आप हो सफल, और सफल बनाने के लिए पेपरलेस स्टडी रहेगा तत्पर। इस नंबर को सेव कर लीजिए, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए इसके अलावा एक छोटी सी बात, और तो आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेनी है, इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मीडियम और लो लेवल के छात्र हैं। अब बात करते हैं ये जो कोर्स है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं, फिर हम तीसरा पार्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पार्ट की ओर चलेंगे। तीसरा पार्ट जो है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें स्ट्रेटजी अपनी बनानी चाहिए। एमपी पटवारी का ये कोर्स है, इसमें आपको सामान्य प्रबंधन की क्लासेस मिल जाएंगी, सामान्य प्रबंधन की जो क्लासेस चल रही है, सामान्य विज्ञान की, हिंदी की, अंग्रेजी, गणित, ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर और तार्किक विद्या, सभी की क्लास आपको मिल जाएंगी। तो सारे के सारे अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, हम सभी क्या है कि हम 2 से 3 कोचिंग्स के टीचर हैं, उन्होंने मिलकर ये इस कोर्स को डिजाइन किया है, सभी ने मिलकर ये डिजाइन किया है कि सब बेस्ट बेस्ट एक्सपर्ट टीचर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 2000 रुपए का ये कोर्स की प्राइस थी, लेकिन अभी आपके लिए ऑफर पीरियड में मात्र 999 रुपए का मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपरलेस स्टडी ऐप से। किस ऐप से? पेपरलेस स्टडी ऐप से, मन में एक बार रिपीट कर लो, पेपरलेस स्टडी ऐप से। चलो अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट की ओर, जो है पार्ट सी, और इस वीडियो का सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इस पार्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए पार्ट सी को हम शुरू करते हैं। पार्ट सी के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे हमारे, की स्ट्रेटजी क्या बनाएं,
हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम सफल जल्दी हो सकें या हमारे नंबर अच्छे आ सकें कम समय में। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है, वो हमें स्ट्रेटजी के अंतर्गत समझेंगे। टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम को डिवाइड कैसे करना है, टेस्ट सीरीज के लिए कितना टाइम देना है, क्लास के लिए कितना टाइम देना है, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना है, किताबों से कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो मैं बता चुका हूं। लेकिन अब कितना कितना किस किस समय पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका मैं साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी मैं बताऊंगा कि किस समय आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से उस चीज को कवर कर पाए। ये साइंटिफिकली जो चीजें हैं ना वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। जो चीजें थी मैथमेटिक्स टाइप से बताने की वो मैं बता चुका हूं, अब साइंटिफिकली समझ लीजिए। स्ट्रेटजी में भी हम मैथमेटिक्स तरीके से उस चीज को समझेंगे कि हाँ भाई आप इतना पार्ट इतने टाइम में कवर कर सकते हैं, ये पार्ट ऐसे कवर करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी जाएगा। तो एक रणनीति बना रहे हैं हम यहाँ पर, आप इस रणनीति में बदलाव कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति की रणनीति, जिस व्यक्ति की स्ट्रेटजी जितनी मजबूत होती है वो व्यक्ति उतना प्रबल दावेदार होता है विजयी होने का। आप विजयी होनी चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं, आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी उतनी तगड़ी होनी चाहिए। मैं बस तरीका बता रहा हूं आपको, ये नहीं कह रहा हूं कि यही अपना लीजिए, आप बना लीजिए, इसको देखकर बना लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कीजिए। देखिए हर व्यक्ति का हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता, या हर व्यक्ति का हर सब्जेक्ट एक उतना नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति का मैथ कमजोर है आपका मैथ हाई हो, आपका मैथ कमजोर है दूसरे का हाई हो, तो हर व्यक्ति के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। लेकिन मैं सबको अलग अलग स्ट्रेटजी थोड़ी बताऊंगा, तो आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट हाई है कौन सा सब्जेक्ट लो है, उसके अनुसार आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन मैं तरीका आपको बता दूंगा। तो ठीक है, तो ये जानेंगे आठ सब्जेक्ट को एक साथ कैसे मैनेज करना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था तो वो भी हम कवर करेंगे। कम समय में तैयारी कैसे हो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। डूज और डोंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना है। आपके सभी सवालों के उत्तर आज इसकी वीडियो में लास्ट वाले पार्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेटजी कैसे बनाए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैंने स्ट्रेटजी को मैंने इस प्रकार से बांटा है, स्ट्रेटजी को हमने दो पार्ट में कवर किया हुआ है। पहला पार्ट है इजी और दूसरा पार्ट है मॉडरेट मान लीजिए या टफ। ठीक है, इजी या फिर हार्ड मान लीजिए। ठीक है, एक पार्ट मान लीजिए इजी, दूसरा पार्ट मान लीजिए हार्ड। मान के चलते हैं गौरव नाम का एक शख्स है, गौरव नाम का एक व्यक्ति है या गौरांशी नाम की एक लड़की है। गौरव को क्या लगता है कि गौरव को लगता है ये वाला पार्ट मुझे इजी है, मतलब मेरे लिए ये चार सब्जेक्ट कैसे हैं इजी हैं। गौरव को लगता है ये वाले मेरे जो चार सब्जेक्ट हैं वो मेरे लिए हार्ड है, मेरे लिए कठिन है, मैं इनको करने में थोड़ा समय लेता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आते, ऐसा गौरव को लगता है। गौरव के लिए सलाह है, अब आप समझ लीजिए कि गौरव या गौरांशी आप में से ही कोई है। जो इजी है अब आपको पता होगा कि कौन से आपके लिए इजी है, ये आठ टॉपिक लिखे हुए हैं, आठ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, अब आप छांटिए कि इनमें से आपके इजी कौन से हैं, आपके हार्ड कौन से हैं। तो लिखिए, नोटबुक उठाइए नोटपैड पे और वो लिख लीजिए, इजी वाले और हार्ड वाले लिख लीजिए आपने। अब इजी वालों को आपको पहले करना है, देखिए इजी वालों को आपको पहले करना है मतलब इनको टच करना ही नहीं है अभी। जब आप इजी वालों को कर रहे हो कवर तब आपको हार्ड वालों को टच नहीं करना है, और आपको एक टारगेट बना लेना है कि हम इजी वालों के लिए डेली हर एक सब्जेक्ट के लिए डेढ़ डेढ़ घंटे का समय देंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए डेढ़ डेढ़ घंटे का समय देंगे। और फिर इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, हो सकता है आपकी हिंदी और ज्यादा परफेक्ट हो तो आप डेढ़ घंटे की जगह उसको एक ही घंटा दीजिए। जो आधा घंटा बच रहा है आपको लगता है कि मैथ मेरा हिंदी से थोड़ा कम अच्छा है तो आप एक काम कीजिए मैथ को दो घंटे दे दीजिए। ये होता है स्ट्रेटजी, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, किसको कितना देना है अपने अकॉर्डिंग छांटिए कि मेरा कौन सा कठिन है मेरा कौन सा सरल है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना किस में बेस्ट योगदान दे सकता हूं, कौन से सब्जेक्ट में। ये हमारे आठ योद्धा हैं, अब आठ योद्धाओं में से किसको क्या देना है निर्देश कि तू ये कर, तू मेरा ये वाला कवर कर, तू मेरा ये कवर कर। तो ये आठ योद्धाओं ये आठ योद्धा हैं जिनको आपको निर्देश देना है, यही मैनेजमेंट है, और इसी तरीके से आप मैनेजमेंट सीख पाएंगे। प्रबंधन करना है आपको, यही मैनेजमेंट है, आपका कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मत समझना कभी भी मैनेजमेंट को, आपकी लाइफ एक मैनेजमेंट है, समझ गए बात को। तो याद रखिएगा कि ये चार सब्जेक्ट आपने जो इजी चुन लिए, जो भी हो आपके, हो सकता है चार की जगह आपके पास पांच हो सकता है चार की जगह आपके पास तीन सब्जेक्ट इजी हो, पांच आपको हार्ड लगते हो, तो आप डिवाइड कर लीजिए। तो जो आपके इजी वाले सब्जेक्ट है, अगर आपका ऐसा रेशियो तीन पांच का, तो आप इसको थोड़ा जल्दी निपटाने का काम कीजिए, मतलब आपको 20 से 22 दिन में ये कवर कर लेना है। अगर आपके चार सब्जेक्ट इजी हैं तो आप एक काम कीजिए, इसको चार
चार पार्ट को आप पूरा एक महीना दीजिए, एक महीने में इसको पूरा कवर कर लीजिए, और इसमें से हल्का फुल्का जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता रहे टेस्ट सीरीज लगाते रहिए या जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो उससे कवर करते रहिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले इनको कवर कर लें। इनको कवर करने के पीछे रीजन आप समझ लीजिए। अगर आपने इनको कवर कर लिया, मैं रीजन भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं बताऊंगा, इनको कवर कर लिया क्योंकि ये आपके पहले से ही अच्छे हैं, पहले से अच्छे हैं, तो 25 नंबर का एक पार्ट मान के चल रहे हैं हम, तो 25 में से आप 20, 22 और 23 इतने नंबर आसानी से ला सकते हैं अगर आपके अच्छे हैं ये पार्ट जो इजी वाला पार्ट है। अगर आप हर एक पार्ट में से 20, 22, 23 नंबर लेके आते हैं तो कुल मिलाकर मैं एक एवरेज मान लेता हूं कि आप इस पार्ट में से, पहले पार्ट में से जो इजी वाला पार्ट है उस पार्ट में से या उस पार्ट के सब्जेक्ट में से आप 90 नंबर ला सकते हैं आराम से। उसमें से 90 ला सकते हैं, कोई 85 ला सकता है और कोई 80 ला सकता है, 80, 85 और 90 और किसी के 92 भी आ सकते हैं। तो वो अलग अलग व्यक्ति पर डिपेंड करता है, अलग अलग टेस्ट पर भी डिपेंड करेगा। तो आप इतना नंबर ला सकते हैं, हमने एक एवरेज लगा लिया कि आप यहां से 85 नंबर उठा लेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप आज तुक्का लगाने बैठ जाओ ना तो 40 नंबर आपके यहां से डन है, 25-25 में से 10-10 इनमें से सब में से आ जाएंगे। क्या अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, एंड आर्टिकल पढ़ा नहीं है, फिर पोजीशन पढ़े नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े नहीं है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना, टेस्ट देख देखना, 85 और 40 आप जोड़ दो, 125 हो रहा है। मतलब क्या है कि एक महीने की तैयारी में आप 125 नंबर पर पहुंच गए। इसमें आपने भी कुछ योगदान नहीं दिया, इसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ध्यान कीजिए, इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इसको आपने जो इजी पार्ट था उसको कवर कर लिया, मतलब आपने अपना रैंक बढ़ा लिया, मतलब आपने अपने स्कोर बढ़ा लिए, स्कोर बढ़ा लिया। अब स्कोर बढ़ गया आपका, 85 उसमें आ रहा है, 40 इधर से भी अगर मान के चलते हैं, मरे मारे में तैयारी भी नहीं करोगे तो इतने आ जाएंगे 125, सिर्फ इसकी तैयारी करके जाओगे तो 125 आ जाएंगे, गारंटी देता हूं। अब 125 से 150 करना है, सिर्फ 25 नंबर बढ़ाना है, तो जब ये पूरा कवर हो जाएगा, पहला वाला पार्ट कवर हो जाएगा, मैं बता देता हूं आपको, जब आपका पहला वाला ये पार्ट कवर हो जाएगा, फिर जब आप उसका दूसरा पार्ट उठाओगे दो महीने के लिए, तो दो महीने आपको इसको रगड़ के पढ़ना है, अच्छे रगड़ के। आप इस टाइम पर जब ये वाला कर रहे होंगे तब आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, सिर्फ चाहे तो थोड़ी बहुत वीडियोस देखते रहिए जिससे थोड़ी थोड़ी आपको ज्ञान होता रहे, फिर थोड़ा सा इसमें कटौती कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली ये कर लेना है। दो महीने इसको पकड़ के रगड़ के पढ़ेंगे, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ में रिवीजन करना है। यहां पर आपको थोड़ा लोड बढ़ जाएगा क्योंकि आपका ये इजी सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है तो रिवीजन करने में समय कम लगेगा, जो हार्ड आपको लगता है उसको पढ़ना भी अच्छे से है, रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी रहेगी, किसकी, पढ़ने की, 3 महीने की, कितने महीने की, 3 महीने की, मान के चलते हैं पूरे 100 दिन की स्ट्रेटजी है ये, कितने दिन की, 100 दिन की, आपके एग्जाम में अभी मान के चलते हैं 1 तारीख से लगाओगे तो लगभग आई थिंक कि इतने ही दिन बचेंगे आपको, 100, 110, 105 ऐसे कुछ दिन बच रहे होंगे। तो पहला महीना और आगे के 2 महीने संग में रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में प्रैक्टिस, ठीक है। ये हो गई आपकी एक स्ट्रेटजी, अब आप अपनी तरफ से स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट हैं हार्ड इजी उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, स्ट्रेटजी बना ली, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब है एक दिन में टाइम मैनेज कैसे करना है, हमने समझ लिया। आप कोई भी स्ट्रेटजी बना लो, आप अपने अनुसार ध्यान करना, पहले आप डिसाइड करो कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप में कितना है कि आप कितने टाइम पढ़ सकते हैं, एक 24 घंटे के समय में आप कितना टाइम दे सकते हैं, 5 घंटे दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, समझ पा रहे हैं, पहले ये डिसाइड कीजिए। तो ध्यान करना, अगर आपको एमपी पटवारी एग्जाम 3 महीने में क्वालिफाई करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, ये नहीं है कि नंबर पता चल रहा कि कट ऑफ जा रहा है 145 और अपने आ रहा है 144, ऐसा नहीं, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है, ये इसको पार करके 150 के ऊपर कट ऑफ 145 या तो आप 150 से ऊपर पहुंचो, अपन ये चाहते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको मिनिमम 11 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और 11-12 घंटे में सब कुछ, वीडियो क्लासेस, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, रिवीजन, सब कुछ। अब इन सब कर आपको क्या मिलेगा, यहां पर टाइम मैनेज कैसे करना है, किसको कितना समय देंगे, किसको कितना टाइम देना है, एक एवरेज टाइम बता रहा हूं, डेली, ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स 6 घंटे देना है तो घड़ी हटा दी तो अब ये इसका टाइम खत्म हो गया, एक एवरेज लगा लीजिए आप। यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले पढ़ाई की, फिर मैं बात करता हूं क्लास की,
इसको पार्ट में बांट दूंगा मैं, 11-12 घंटों को, ये मैनेजमेंट हो गया अपना। पढ़ाई मतलब ये सेल्फ स्टडी, कैसी सेल्फ स्टडी, ये क्लास यानी कि किसी ऑनलाइन टीचर से या मुझसे या मेरी क्लास से या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, हमारी टीम का कोई टीचर है या कोर्स ज्वाइन करता है उससे। रिवीजन और प्रैक्टिस, ये चार चीजें ही आपका सिलेक्शन कराएंगे और इनका टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन और प्रैक्टिस। सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप चाहें, आपके पास टोटल 11 से 12 घंटे हैं, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको डेली का 1 से 1.5 घंटा आपको देना है रिवीजन के लिए। और रिवीजन का समय मैं बता देता हूं, रिवीजन करना है आपको कब, जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाए, जब आपके सारे सब्जेक्ट जो आपने लिए थे वो खत्म हो जाए, उसके बाद रात को रिवीजन करना है। कब करना है? रात को, कब? सोने से पहले। इसके पीछे भी ये कारण है, सोने से पहले करेंगे बहुत सी चीजें आपको याद रह जाएंगी, ऐसा ना हो कि नींद आ रही हो बहुत भयंकर, उस टाइम पर नहीं, सोने से बहुत पहले मतलब सोने से आधे घंटे पहले आप इसका रिवीजन करके खत्म करना है। तो ये एक सही टाइम होता है, रिवीजन आप कर सकते हैं। रिवीजन के लिए ध्यान रखना कि जो डेली पढ़े, जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसका डेली आपको रिवीजन करना है, जो डेली पढ़ेंगे उसका डेली रिवीजन करना है। हो सके तो फिर 15 दिन में, जो पूरा डेली डेली पढ़ के 15 दिन हो गए, वो 15 दिन का रिवीजन फिर एक दिन में कर लिया, एक दिन को छोड़ दिया। तो रिवीजन करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इससे ज्यादा सरल शब्दों में कुछ नहीं कह सकता, यही आपका सिलेक्शन करा देगा। रिवीजन के लिए 1.5 घंटा, प्रैक्टिस के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन का जो हम टेस्ट बताया है वो आपको देना है किसी एक सब्जेक्ट का, 1 से 2 टेस्ट, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के लगभग लगभग 1 या 2 टेस्ट। तो 1-2 टेस्ट लगाने में आपको लगेगा कम से कम 50 मिनट, 2 टेस्ट लगाओगे 50 मिनट, 60 मिनट, और एक क्विज आपको डेली लगानी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, और कभी कभी नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 घंटे आपको करनी है डेली प्रैक्टिस, 2 घंटे प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन या 1.5 घंटे रिवीजन, तो 2, हम 3 घंटे इसको मान लेते हैं। आप 3 घंटे हैं, अब आपके पास बचे हैं पूरे के पूरे, अगर आप इनको 11 घंटे मानते हैं या 12 घंटे, 11 में मान लेता हूं इनको, 12 घंटे मान लेता हूं, 3 और इसको मैं मान लेता हूं 3 से 4 घंटे आपने इसमें दे दिए हैं, बीच में आपने थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लिया। अब आपके पास टोटल टोटल बचे हैं 8 घंटे, 8 घंटे में से आप क्या कर सकते हैं कि 8 घंटे में से 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको और रिवीजन कर सकते हैं, पुराने पढ़े को रिवीजन करना है वो इसके अंदर आएगा, जो डेली रिवीजन कर रहे हैं, जो डेली नया पढ़ रहे हैं वो रिवीजन आएगा रात वाले रिवीजन के अंतर्गत। ऑनलाइन क्लास को आप 4 घंटे ऑनलाइन क्लास को दे सकते हैं, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जितना भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो 3-4 घंटे की और 4 घंटे की या 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास, 3-4 घंटे की पढ़ाई, 1-1.5 घंटे का रिवीजन और 1-1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 10 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन जोश आ गया तो बस चलो हनुमान जी बनते हैं ना, जोश आ जाएगा तो एकदम सबको फोड़ देंगे, एकदम गदा उठा लेंगे, एकदम जोश आ जाता है वो क्या पढ़ के एकदम कि यार अब तो पटवारी की वैकेंसी आ गई, अब तो फोड़ देंगे, जोड़ देंगे, और फिर 4-5 दिन तक वो जोश रहता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर खुश, वो नहीं करना। प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू करो, ये जो पूरा मैंने डाटा बताया है ये आपको कंटिन्यू रहने के लिए बताया है, कंटिन्यू करोगे, ध्यान रखना कंटिन्यू रखेंगे, यही आपकी सक्सेस की है। सक्सेस की बहुत सारी कीज हैं, किस चाबी से आपका दरवाजा खुल जाए पता नहीं, मेरा दरवाजा किससे खुला मैं बताता हूं, मैंने यही फॉलो किया है, मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली है, मैंने सेल्फ स्टडी की है। मेरे टाइम पर इतनी ऑनलाइन क्लासेस चलती नहीं थी क्योंकि जियो का टाइम नहीं आया था और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मतलब ऐसा वाला मोबाइल नहीं था। रिवीजन में बहुत भयंकर करता था, डेली रिवीजन करता था, 7-7 दिन में रिवीजन करता था, फिर 15 दिन में करता था, फिर महीने भर में करता था। मैंने एक एक चीज का 10-10-15-15 बार रिवीजन किया। रस अगर टॉपिक मेरे पास आया तो मैंने 20 बार रिवीजन कर लिया एग्जाम से पहले, 10 बार रिवीजन कर लिया, 4 बार रिवीजन कर लिया, हर एक टॉपिक का 4-4-5-5 बार रिवीजन मिनिमम करके जाना। 10-10 किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 10 किताबों से पढ़ रहे हैं, 10 जगह के नोट्स देख रहे हैं, 10 कोचिंगों के नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं। अरे नोट्स इकट्ठे करके मोबाइल में रख के क्या कर लोगे जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा वो, नोट्स थोड़ी ले जाओगे एग्जाम में, नोट्स नहीं ले आएंगे एग्जाम में, जाएगा आपका ये भेजा, और भेजे में जो भरा होगा क्या है, समझ रहे हैं क्या है, वो जो है वो उधर पर काम करेगा। तो नोट्स इकट्ठे करने का प्रयास ना करें, एक कोचिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, पेपरलेस स्टडी को आप सुन सकते हैं विश्वास के साथ और जुड़ सकते हैं।
अब बात करते हैं 8 सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करते हैं, कर सकते हैं सर। ऐसा एक प्रश्न किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, देखिए असंभव, ये असंभव है उन छात्रों के लिए जिनका लेवल लो है, जो अपने आप को लो मानते हैं। ऐसे छात्र जो मीडियम है उनके लिए असंभव, जो बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं सर आज एग्जाम करा लो आज मैं पास हो जाऊंगा, उनके लिए ये संभव है। अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी है जो कह दे कि सर आज पेपर करा लो आज मैं 200 में से 160 नंबर लेके आ रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको मैनेज किया जा सकता है, नहीं इसको मैनेज नहीं किया जा सकता बल्कि मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको चार चार सब्जेक्ट का बताया कि चार पहले पढ़ लो चार बाद में पढ़ लो, आप ऐसा कर सकते हो कि 5 कर लो इनको और 3 रख लो बात के लिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, लेकिन आप पूरा इकट्ठा मत करना। और करने के पीछे जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एक घंटे में आप सोचोगे कि एक घंटे में मैं जनरल मैनेजमेंट पढ़ लूँ, अब एक घंटे में उसकी क्लास देखोगे, उसका रिविजन करोगे, उसके नोट्स बनाओगे या उसका प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना, इतना टाइम ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मैथ के हिसाब से होता है, तो ये मैनेज कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगा लेना, थोड़ी सी अपनी अपनी स्ट्रेटजी आपको अपने अनुसार बना लेनी है। तो ये मैनेज नहीं हो सकते, इस प्रश्न का आंसर है कि ये मैनेज होना असंभव है। और अगर कोई संभव करा रहा है तो वो आपके लिए बना रहा है पूर्णतः मूर्ख, तो मूर्ख मत बने, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। क्या आप 8 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एक दिन में, खुद सोचिए, पढ़ लेंगे, कमेंट करके बता दीजिए कि आप 8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लेंगे एक दिन में, नहीं पढ़ पाएंगे, क्या करोगे 8 सब्जेक्ट का, रिविजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, क्लास देखोगे, किताब से पढ़ोगे, क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। 4 सब्जेक्ट को कर सकते हो, 4 को कर सकते हो, 2-2 घंटे भी दिए ना एक सबको, एक एवरेज एवरेज औसत औसत रेशियो निकालिए उसका, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, 2.5-2.5 घंटे का, वही 10-12 घंटे का मामला हो जाएगा, और आप पूरा रिविजन भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। बाद में जब वो जो दूसरा पार्ट जो मैंने बताया था, ये वाला जो पार्ट है इसमें आप इसको रिवीजन कर लेना, पहले वाले पार्ट को, जब ये वाला पार्ट चलेगा दूसरे नंबर का पार्ट, तो इसमें आप पहले नंबर वाले पार्ट को रिवीजन करना और इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करना, और लगातार प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, 100% एग्जाम निकलेगा, ना निकले पर कहना, बस मेहनत करनी है। अब बात करते हैं कम समय में तैयारी कैसे हो, ये मैंने जो पूरी प्रोसेस बताई है, ये पूरी प्रोसेस में इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चुटकी बजाई और एग्जाम निकल गया, नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलने वाला, नहीं है ऐसी कोई तरकीब, ऐसी कोई तरीका नहीं है कि कम समय में तैयारी कैसे हो। ये तरीका होता है, प्रैक्टिस करने का तरीका है, रिवीजन करने का तरीका है, सब जो भी होगा ना वो हार्ड वर्क से होगा, कोई चुटकी बजाकर जादू नहीं होगा यहां पर, जो भी होगा हार्ड वर्क से होगा, जो भी होगा आप हार्ड की जगह पर कुछ लोग स्मार्ट वर्क का प्रयोग कर लेते हैं, ट्रिक्स लगा लेते हैं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो वही तो मैंने बताया है इस वीडियो में, ये वाला पहले पढ़ लो, ये बाद में पढ़ लो, ये ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो, कौन सा टॉपिक पहले कर लोगे तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, नंबर ज्यादा चाहिए। बहुत से लोग मैनेजमेंट के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट, अरे मैनेजमेंट को चार्ट लोगे क्या मालिक, 25 नंबर का ही मैनेजमेंट आएगा, 25 की हिंदी आएगी, 25 में से 25 दिला दूंगा हिंदी में, गारंटी के साथ लिख के देता हूं, 25 में से 25 यहां पर आ जाएंगे, 25 में से 25 मैनेजमेंट में नहीं ला पाओगे, समझ पा रहे हो, मैथ में 25 में से 25 आ जाएंगे, मैनेजमेंट में नहीं ला पाओगे, कंप्यूटर में नहीं ला पाओगे। और आप कह रहे हो, कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में, तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों की आदत होती है गाली देना, कुछ लोगों को आदत होती है कि निंदा करना, कोई कितना भी अच्छा करे, कोई कितना भी अच्छा करने का प्रयास करे, निंदा करने की उनकी आदत होती है, तो कुछ लोग तो हेटर्स रहेंगे, वो नहीं सुधरेंगे अपने जीवन में। लेकिन आप क्या हो, आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हो ना, मतलब आपको एक अच्छे छात्र, आपको कुछ करना है अपने जीवन में, और मैं गारंटी देता हूं आप कुछ करके ही जाएंगे। इस वीडियो ने आपके मन में आग लगा दी होगी कि अब तो मुझे करना है, बनना है, और बन जाओगे तो उसके पीछे का भी मैं रीजन बताता हूँ कि क्या होता है, क्या लाइफ में परिवर्तन आते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 1-1.5 घंटे की हो गई होगी, देख लो पूरी, देखो और सभी के साथ शेयर करो, पता चलना चाहिए कि होता क्या है। मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं खुद पटवारी, मैं बताऊंगा कि क्या होता है पटवारी, चिंता मत करो सब करा देंगे, विश्वास रखना बस। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, इससे आप एग्जाम निकलेगा। कम समय में कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई जादू वाला तरीका नहीं है कि कम समय में सर चुटकी बजा दो हमारा एग्जाम निकल जाए, सर मुझे कुछ ट्रिक दे दो कि मेरा, अरे नहीं होती भाई ट्रिक, सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से ही काम चलता है। आपको जो तरीका बताया है, चलिए मैं जादू की एक वो भी देता हूँ, जादू नहीं है वो, हार्ड वर्क ही है, लेकिन आप उसको जादू का रूप दे लीजिए। देखिए एक
मैंने इस फॉर्मूले का नाम रखा है एसआरपीआर। क्या नाम रखा है? एसआरपीआर। ये मेरी टेक्निक रही है, ये मैंने अपने छात्र जीवन में प्रयोग की। मैंने सेंट्रल लेवल के कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए ना, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे चाहिए जिंदगी में सुकून और मुझे रहना है अपने माता पिता के साथ। मेरी ये प्रायोरिटी थी, मुझे सैलरी, इस सैलरी से जो अभी मुझे पटवारी में सैलरी मिलती है उस सैलरी से डेढ़ गुनी ज्यादा सैलरी मुझे मिल रही थी। मेरी फाइनल ज्वाइनिंग आ चुकी थी, मेरा क्वाल लेटर मेरे पास रखा है, लेकिन मैंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर रहना है, अपने घर पर रहना है। दैट्स व्हाई मैं आई चूज पटवारी। मैंने सेंट्रल लेवल की जॉब ज्वाइन नहीं की, आप समझ लीजिए खुद। अब एसआरपीआर को समझ लीजिए, स्टडी करना है, पढ़िए, खुद से पढ़िए, सेल्फ पढ़ सकते हैं स्टडी के अंतर्गत, ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं, ये स्टडी हो गई। स्टडी के बाद रिवीजन करना है। रिवीजन कैसा? जो आज पढ़ा उसका रिवीजन, जो पहले पढ़ चुके उसका रिवीजन, दो तरीके का रिवीजन। फिर करना है प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस? तीन तरीके से प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस फुल टेस्ट के माध्यम से, दूसरी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से, तीसरी प्रैक्टिस क्विज के माध्यम से। फुल टेस्ट के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से आपको आपके हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक का आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आप ऊंचे उठ जाओगे। और तीसरा है क्विज। क्विज का मतलब ये होता है कि आप बोर हो रहे हो, थोड़ा सा मेरा टाइम मिला, 15 क्वेश्चन की क्विज मार देता हूँ, फटाक से लो 15 क्वेश्चन ये लगा दिए, ये लो 15 क्वेश्चन ये लगा दिए, ये लो, ये इसका सॉल्यूशन देख लिया या पढ़ लिया तुरंत बैठे बैठे। सिंपल, कुछ नहीं करना, यहीं से तैयारी, ऐसे ही तैयारी होगी। नया तरीका है, नया जमाना है, और मैं क्या ही बता दूं आपको, यही एसआरपीआर है। स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए। स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस रिपीट, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस रिपीट, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस रिपीट करते रहिए, यही सक्सेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के, जो कि है डूज और डोंट्स। डूज का मतलब है ये चीजें आपको करनी है, ये आपको करना ही है। अगर ये आपने नहीं की, इनको ये ऐसे पढ़ के मत चले जाना कि सर ने लिस्ट बना दी है ये कर लेंगे आप। इसके अंदर समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इन चीजों को। डूज वाली लिस्ट में यहां पर पहला पॉइंट आपके लिए बता रहा हूं कि डेली टू डू लिस्ट बनाओ। क्या बनाना है? डेली टू डू लिस्ट। देखिए, ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना रखी है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरी टू डू लिस्ट है। मैंने एक पेज को लिया, चार जगह लिख लिया। आज मैंने लिखा है कि ये 25 तारीख का मेरा वर्क है कि मैं 25 तारीख को क्या क्या करूंगा, मैं जॉब पर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये टेस्ट देना है, मुझे क्लास देना है, ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है। अब 25 तारीख मेरी निकल चुकी है, 25 तारीख मेरी निकल चुकी है। मैं 25 तारीख की रात को मैं इसको बनाऊंगा 24 तारीख को। 25 तारीख का अगर मुझे कुछ टू डू लिस्ट बनाना है, मैं 25 तारीख 24 को बनाऊंगा रात में, 24 की रात को बनाऊंगा, और 25 तारीख को मैं इसको पूरा फॉलो करूंगा दिन भर कि मैंने ये काम लिखा था, ये मैंने किया नहीं किया, किया नहीं किया तो कर लेंगे। 25 की रात को चेक करेंगे, क्या 25 की रात को चेक करेंगे कि आपने उसमें से क्या क्या काम कर लिया, उस पर टिक कर लेंगे। दो फायदे, एक तो जो काम करना है वो भूलोगे नहीं, दूसरा सारे काम हो जाते हैं, याद बने रहते हैं, तीसरा पूरे काम सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं, साइकोलॉजिक तरीके से आप प्रसन्न रहेंगे, आपको एक बूस्ट मिलेगा, मन में खुशी होगी, यार मैंने ये भी कर लिया, यार मैंने ये भी कर लिया, यार मैंने ये भी कर लिया, मैंने 10 काम लिए थे, मैंने 9 तो कर लिए, इसमें से एक ही तो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 काम में से 9 कर लिए, लेकिन काम थोड़ा ज्यादा लेना, काम जितना आपकी क्षमता है उससे थोड़ा ज्यादा ही लेके चलना। आप अपना देखेंगे कि आप अपनी क्षमताओं में भी सुधार कर पाएंगे। आपकी अगर पढ़ने की क्षमता भी 8 घंटे की है, आपकी क्षमता 9 घंटे की हो जाएगी, आपकी क्षमता 10 घंटे की हो जाएगी, आप 12 घंटे ही पढ़ेंगे पर आपको पता नहीं चलेगा, आप कहेंगे यार टाइम कम पड़ रहा है, 12 घंटे भी नहीं, मुझे 13 चाहिए, मुझे 14 चाहिए। टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओगे, इस प्रकार से लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट बनाकर क्या कर सकते हो, 24 तारीख को, अब 25 तारीख की रात हो गई, आपने देख लिया कि क्या क्या आपने कर लिया है। अब 25 तारीख की रात को 26 के लिए एक टू डू लिस्ट बना लो कि 26 तारीख के पूरे दिन भर में मुझे ये काम करना है, मुझे मैथ का रिवीजन करना है, मुझे मैथ का टेस्ट लगाना है, मुझे सामान्य प्रबंधन की क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे पेपरलेस स्टडी का टेस्ट सीरीज लगाना है। ये होना चाहिए, छोटे छोटे गोल सेट करो। पहला है ये करना है आपको काम, टू डू लिस्ट वाला ध्यान, ये तो बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ, ये करना ही है, 5 मिनट का काम है भाई साहब, ध्यान करना, इफेक्ट ना मिले नाम बदल देना। अगर इफेक्ट मिलता है वापस आना 10-15 दिन बाद, 15 दिन करके देख लो, 15 दिन करके देख लो। चैलेंज देता हूं मैं, यहीं से बैठ के चैलेंज दे रहा हूं, 15 दिन करके ये देख लो टू डू लिस्ट बनाने वाला काम, आपके काम फटाफट से होंगे, बस आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। और 15 दिन बाद आज जो आप हो 15 दिन बाद आप वो नहीं रहोगे, आपके अंदर फर्क दिखाई देगा, मैं गारंटी देता हूं इसकी, ठीक है ना। अगर टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दो। अब बात करते हैं छोटे छोटे गोल सेट करें, बड़े गोल सेट मत करो।
बड़े गोल का मतलब होता है कि मैं पूरा अंग्रेजी निपटा दूंगा, मैं जनरल मैनेजमेंट कवर कर डालूंगा, कहते ना आज मैंने ये निपटा दिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट सुनते हैं, हम भी यही करते थे पहले इनिशियल स्टेज में, शुरुआत की स्टेज में, आज मैंने जनरल नॉलेज का ये वाला चैप्टर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये पूरा निपटा दिया, वो पूरा कर देंगे। फालतू की हवाबाजी मत करो, छोटे छोटे गोल सेट करो कि आज मुझे सिर्फ इतना काम करना है। ये मैंने ये टू डू लिस्ट में जो लिख लिया वही आपके गोल है छोटे छोटे। 10 पॉइंट लिख लिए ना आपने, 10 पॉइंट में क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे एक टेस्ट लगाना है, ये आपका एक गोल है। अब जब आप एक गोल को अचीव करोगे, आपने टेस्ट दे दिया, आपने उसका सॉल्यूशन लिख लिया, आपका एक गोल अचीव हो गया, आपके मन में आएगा क्या, एक्साइटमेंट, यार मैंने 10 में से एक काम कर लिया, एक लगा दो उस पर तुरंत, एक काम हो गया, अब मैं दूसरा काम करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा काम करूंगा। दूसरा काम क्या है, उन्होंने कहा कि मुझे सामान्य प्रबंधन की जो है क्लास लेनी थी। क्या लेनी थी, सामान्य प्रबंधन की क्लास लेनी थी, मैनेजमेंट की, एक घंटे की मैंने क्लास ले ली। जैसे ही क्लास हो जाए उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लूं, 5-10 मिनट में रिवीजन कर लूं कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया। टिक लगा दो, टिक लगाओगे ना मन में, फिर और बूस्ट होगा, डोपामिन रिलीज होगा आपके मन का, डोपामिन जो आपके दिमाग में जो रहता है, जो केमिकल भरे हुए हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ देखो दो हो गए, फिर तीसरा हो गया और अच्छा लगेगा, चौथा होगा और अच्छा लगेगा, पांचवा होगा और अच्छा लगेगा। सुपर ऐसी स्थिति में पहुंचाओगे सामने के एकदम सीना एकदम 56 से 108 हो जाएगा। ध्यान रखना ये होता है, ये साइकोलॉजिकल प्रमाणित है कि छोटे गोल बनाओगे तो हो जाएगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, वीडियो जरूर लंबी हो रही है, हो जाने दो, लेकिन आप सीख रहे हो कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात का वैसे दूर से ध्यान रखना। देखिए एक छोटी सी बात समझिए, मैं आपसे कहूं कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, आपको लगेगा सर 5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, मैं तो कभी दौड़ता ही नहीं हूं, 5 किलोमीटर कैसे दौड़ूंगा। मैं कह दूं आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप मात्र 200 मीटर दौड़ो, और जैसे ही 200 मीटर आ जाएगा मैं कहूंगा अरे यार 100 मीटर, चलो 100 मीटर, फिर मैं कहूंगा अरे नहीं 50 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। मैं धीरे धीरे करके आपको 200, 300, 100, 200, 300, 200 करके आपको 5 किलोमीटर तक पहुंचाऊंगा, या 1 किलोमीटर तक पहुंचाऊंगा, मैं 1 किलोमीटर का टारगेट मान के चलता हूं। तो ऐसे मैं कर करके अगर मैं ले जाऊंगा आपको, तो आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे छोटे छोटे गोल्स में। कि मैं क्या करता था, जैसे मैं बता रहा हूं, जब आप रनिंग करते हैं, मैं आपने कभी फिजिकल दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो मैं बता देता हूं, आप अगर रनिंग करते हैं, रनिंग में ये होता है, सभी के साथ होता है, मैं बता रहा हूं, रनिंग कभी अगर आपने करी हो तो रनिंग में ये बहुत ही प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये पेड़ आ गया, यहां तक मुझे रनिंग करना है, फिर थोड़ा सा और आता है पेड़, दूसरा पेड़ देख लिया, उसको तक रनिंग करना है, फिर तीसरे, तो छोटे छोटे गोल बना के अगर आप करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो आप सेट इस चीज को कर लीजिएगा, ठीक है, गोल छोटे करने हैं, बड़े नहीं करने। बड़ा तो अपना लक्ष्य है, लक्ष्य बड़ा है, गोल छोटे होने चाहिए, अचीव करते जाओ, खुशी मिलेगी तो मजा आएगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा आपको। जब आप खुश रहोगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य खुश रहेगा, तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन लोगे, टेंशन नहीं लेना किसी भी बात की। जो दिन भर में पढ़ा है उसका रिवीजन रात में सोने से पहले ही बता चुका हूं कि जो भी पढ़ रहे हो उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लो चाहे, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। फिर 7-8 दिन में कभी अगर मन बने तो 1-2 घंटे बैठ के, 5 घंटे बैठ के एक सब लगा के पूरे सब्जेक्ट का, या एक सब्जेक्ट का 2-3 घंटे में, दूसरे सब्जेक्ट का 2-3 घंटे में, एक दिन रिवीजन के लिए दे दो 15-20 दिन में, तो वो रिवीजन से क्या भूलोगे नहीं। रिवीजन नहीं किया तो होता क्या है कि रिवीजन नहीं करोगे तो मैटर ये हो जाएगा कि वो जो चीजें हैं वो कहेंगे यार ये तो पढ़ा था अब मैं भूल गया, वो वाली सिस्टम होती ना कि सर मैंने पढ़ा है मैं भूल गया। रिवीजन करो, नहीं भूलोगे, रात को रिवीजन करो, 15 दिन बाद, महीने भर बाद फिर से रिवीजन कर लो एक बार, नहीं भूलोगे। ये मैंने जो लिखा है थ्योरी रिवीजन प्रैक्टिस, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि पहले पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फिर रिपीट करो, थ्योरी रिवीजन प्रैक्टिस और रिपीट, ये आपको करना है। फुल टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, और चाहे तैयारी पूरी हुई हो या नहीं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि फुल टेस्ट आपको लगाना है, चाहे आज आपका पहला दिन है ना, आज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना, आज ही लगाओ पहला टेस्ट, आज लगा लो पहला टेस्ट, देखते हैं कितने नंबर आते हैं, 70 आएंगे, 80 आएंगे, 100 आएंगे, 50 आएंगे, कितने तो आएंगे, आएंगे तो पता तो चलेगा कि औकात क्या है, लेकिन लगाना पूर्णता एकाग्रता के साथ है, पूरे मन के साथ लगाना, 3 घंटे बैठ के लगाना, फिर देखना कि क्या क्या गलती की है, क्या क्या समस्याएं हमने झेली है, कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, जो नहीं बना है उनके टॉपिक को देखो, उनके टॉपिक को पढ़ो, उनको समझो, उनको देखो, पूछो, क्वेश्चन नहीं आ रहा डाउट पूछो, हम हेल्प करेंगे। टेस्ट से अपनी गलतियों को पता करें,
जो गलतियां मिल जाती हैं, गलतियां निकल आएंगी, 100 क्वेश्चन मेरे सही थे, 100 क्वेश्चन मेरे गलत थे, जो गलत हुए वो गलतियां देख ली, अब गलतियों को सुधार करने का प्रयास करो कि मैंने गलतियां कर दी हैं, तो ये आपको करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए क्या कैसा है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। फैमिली का अगर आपका कोई दोस्त है, मतलब जैसे कोई सिस्टर होती है हमारी, एक फ्रेंड की तरह होती है, हम कुछ बातें शेयर कर देते हैं, हो सकता है आपकी मम्मी हो सकता है आपके फादर हो, किसी फ्रेंड को मत बताना ये बात, किसी फैमिली के मेंबर को अपनी प्रोग्रेस के बारे में जरूर बताएं। आप कुछ डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, उसको मत बताइए। आपने कहा कि अरे मम्मी हुआ क्या कि मैंने ना पेपरलेस स्टडी से टेस्ट सीरीज दी थी, पिछली बार मैंने टेस्ट दिया था 5 दिन पहले मेरे 110 नंबर आए थे, इस बार मेरे 125 आ गए, बताइए उनको। साइकोलॉजिकल कारण है, आप बताएंगे आप खुश हो जाएंगे, आप खुश होंगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप पर थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, जब प्रेशर मेंटली प्रेशर कम रहेगा, मेंटली प्रेशर कम होगा, आपका जो डोपामिन लेवल है वो बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपको पढ़ने में और वो उत्साहित करेंगे और आप और ऊपर बढ़ेंगे। ध्यान कीजिएगा कि इस प्रकार से आप चीजें कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सिर्फ उसी को बताइए जो किसी और के साथ शेयर ना करें, किसी को ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति को मत बताना जो आपका कोई फ्रेंड वगैरह है ना, जो आपके आपके आगे तो आपके जैसा और पीठ पीछे दूसरे के जैसा ना, इधर का उधर करने वाला, उससे कुछ शेयर मत करना। फ्रेंड से कुछ दिन के लिए कट जाओ, मेरे हिसाब से ये कट जाओ। अपने आराध्य को स्मरण करें, जो भी आपके देवता हैं, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, आप किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं, जिसको भी मानते हैं उनका स्मरण जरूर करें, क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर आसपास कोई मंदिर है, मंदिर जाइए, थोड़ा सा चैंटिंग कीजिए, 5-10 मिनट बहुत है। चैंटिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से, बहुत सी चीजें सुधर जाती हैं, ये मैंने खुद से देखा है। मैं महीने महीने भर मंदिर नहीं जाता, लेकिन जिस दिन मंदिर जाता हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ बहुत, मतलब बहुत बढ़िया जगह आ गया हूँ मैं, और मेरा दिमाग का जो है ना एक जो लोड होता है दिमाग में वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वो लोड कम करने के लिए आपको ये करना है, 5 मिनट का काम है। ईश्वर को कौन याद नहीं करता, महाकाल के आशीर्वाद से आप सफल होंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे। खुश रहिए, क्योंकि ऊपर वाला आपके लिए चिंता करेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्म करो, आप पढ़ाई करो, आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, क्लास लो, आपको और कुछ नहीं करना। आपके लिए चिंता करने वाला ऊपर बैठा है, वो देख रहा है कि तुम कर्म कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, वो देगा तुम्हें फल। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जिसने चिंता कर ली वो दिक्कत में आ जाता है। देखिए आगे की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है, डोंट्स, ये आपको भूल से भी नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है, लगातार स्टडी नहीं करना है, टाइम देना है, गैप करना है बीच में स्टडी में। कैसा, स्टडी छोड़ना नहीं है, गैप करने का मतलब ये है कि जैसे आपने 1.5 घंटा पढ़ लिया तो अब लगातार मत पढ़ते रहिए, 1.5 घंटा ये पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया तो थोड़ा सा अब मैं हल्की वाली रीजनिंग उठा लूं, हल्की वाली सामान प्रबंधन उठा लूं, ये मत करना। इससे ये करने से क्या है कि माइंड काम करना बंद कर देता है थोड़ी देर में, यार फिर समझ में नहीं आएगा, फिर पता पड़ेगा कि आंखों के सामने तो रखी किताब है, पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो वो ना हो। उसके लिए बीच में 2-5 मिनट 10 मिनट फैमिली के साथ बिता लिए, 2-4 हंसी मजाक की बातें कर ली, मोबाइल यूज मत करना, उस समय मोबाइल यूज मत करना, रील्स मत देखना, ये मत नहीं करना है। गए फैमिली के साथ, मजाक हंसी मजाक कराए, बैठाए अपने मम्मी के साथ बैठाए, चाय पी आए, छोटा सा टी ब्रेक ले लिया ना, जो भी आपकी इच्छा है, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, कुछ भी ऐसा कर लो बीच बीच में। तो अपना ऐसा शेड्यूल बनाओ कि मैं 1-1.5 घंटे ये कर लूंगा, फिर मैं नाश्ता कर लूंगा, नाश्ते के लिए 10-15 मिनट का टाइम मिल जाएगा, आराम से रिलैक्स होकर नाश्ता करो, फिर 1.5 घंटे फिर पढ़ लूंगा, फिर मैं एक चाय ब्रेक ले लूंगा, फिर मैं फिर माता जी के पास चला जाऊंगा थोड़ा सा, फिर मैं कुछ और कुछ कर लूंगा। मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके 15-15 मिनट का बीच बीच में ब्रेक देते जाओ, माइंड क्या है थोड़ा और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो आपको ये भूल से नहीं करना कि लगातार स्टडी करते रहो, मेरी सलाह यही है। दूसरा है कि 10 कोचिंग के नोट्स और पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। एक कोचिंग सेलेक्ट कर लिया आपने, एक पे आपको विश्वास हो गया, किसी की भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन से जो प्ले स्टोर पर मिलेगा, इससे आप ज्वाइन करोगे, गारंटी मैं देता हूं कि आपको पूरा कोर्स कवर होगा, सिर्फ वही चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम वो हैं जो हम खुद सिलेक्ट हैं, हम खुद सिलेक्ट हैं इसलिए आपको करा रहे हैं तैयारी, और हमारी टीम में दम है इसलिए इतनी दम से मैं बोल पा रहा हूं आपके सामने आके। तो आप वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ पेपरलेस स्टडी ही करेंगे, ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी। टेस्ट सीरीज तो 100% ज्वाइन करना ही करना है, वीडियो कोर्स अगर नहीं भी ज्वाइन कर पाया ना किसी कारण बस, या आप मान के चलते हैं किसी और का ज्वाइन कर लिया, टेस्ट सीरीज भाई साहब अगर किसी और की भी ज्वाइन कर ली है तो ये ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट है,
टेस्ट हर कोई नहीं बना सकता, टेस्ट सिर्फ वही बना सकता है जो विषय का एक्सपर्ट है। हमारे पास सभी विषय के एक्सपर्ट हैं और हमारे पास पूरा क्वेश्चन बैंक है। मध्य प्रदेश में बहुत कम और रेयर कोचिंग है, एक दो कोचिंग है जिनमें से एक पेपरलेस स्टडी भी है ऑनलाइन कोचिंग, जो क्वेश्चन बैंक बना के रखती है अपना। क्वेश्चन बैंक का मतलब है हमारे पास हर एक क्वेश्चन के, हर एक सब्जेक्ट के 50-50, 60-60 हजार प्रश्न है। इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, वेरी हाई लेवल, सब तरीके के प्रश्न है हमारे पास ऑलरेडी विद सॉल्यूशन। हर एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज में हाईली रिकमेंड करता हूं, चाहे किसी भी एप्लीकेशन से आपने ज्वाइन कर रखी हो, किसी कोचिंग की ले रखी हो, लेकिन आपको पेपरलेस स्टडी की ले लेना है। मात्र 251 रुपए की है। और ये रुपए वाली बात नहीं होती भाई साहब, इस टाइम पर रुपए मत देखना, कोई भी मत देखना, कोई गरीब नहीं है आज के युग में। गरीब है, मानता हूं गरीब है, लेकिन इतने भी गरीब नहीं हो कि 15,000 का मोबाइल चला रहे हो, 250 रुपए का आप ये नहीं कर सको। हर महीने 250 रुपए का रिचार्ज कर रहे हो पढ़ाई के लिए, आप 250 रुपए की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते। ये मुझे बहाने नहीं चाहिए, ज्वाइन करना है, मैं गारंटी देता हूं इस बात की लिख के कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपका जो लेवल रहेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ना बढ़े तो मेरा नाम बदल लेना। और बताइए, आगे बात करते हैं। और ये वीडियो क्लासेस में भी आपको एकदम मजा आ जाएगा, ज्वाइन कीजिए, पता चलेगा। किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या है, जनरल, मैंने एक ऑडियो भी अभी पोस्ट की थी टेलीग्राम चैनल पर, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन कहाँ से करें, कैसे करें सर, ये कैसे होगा, और सभी तो टॉपिक है ही नहीं, और सभी सब्जेक्ट तो है ही नहीं। किसी किसी लोगों को मजा आने लग रहा है मैथ में, 4-4 घंटे मैथ लगा रहे हैं, 5-5 घंटे मैथ में घुसे हैं। अरे भैया, मैथ में से 25 नंबर में से 26 तो नहीं आ जाएंगे, मैथ 25 का है तो 25 का ही रहेगा। मैथ में से 25 में से 26 नहीं ले आओगे, 25 में से 25 ले आ सकते हो, 26 नहीं ला सकते, लेकिन आगे के बचे हुए 175 क्वेश्चन को कवर करोगे तो उनमें से नंबर आएंगे। तो एक सब्जेक्ट पर फोकस करके मत रह जाना कि एक सब्जेक्ट पर फोकस कर लिया बाकी सबको छोड़ दिया, ये मत करना। ये करोगे तो गलतियां हो जाएंगी बहुत बड़ी, पछताओगे। ये पंचवर्षीय योजना है मध्य प्रदेश में, अगली साल भर्ती आएगी नहीं आएगी गारंटी नहीं है, जो अभी आ रही है। एक सब्जेक्ट पर फोकस मत करना, सभी सब्जेक्ट को बराबर लेके चलो। बाकी मैं सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम पर डेली एक ऑडियो आएगी मेरी, 2 मिनट की 5 मिनट की, मैं डेली आपको एक ना एक टिप दूंगा, सुनिए उस टिप को। टेलीग्राम पेपरलेस स्टडी से जुड़ जाइए तुरंत। बार बार सिलेक्शन के बारे में मत सोचना, ये नहीं करना है आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, सर जाने पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फोन आता है, आज सुबह ही फोन आया था, एक बच्ची थी उसका फोन आया, सर मैं इतने दिनों से तैयारी कर रही हूँ, आप सोच रही हूँ कि करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, अभी से सोच लिया तुमने कि होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन के बारे में क्यों सोचते हो, पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं सोचते। सिलेक्शन के बारे में बार बार सोचोगे तो आधा दिमाग बट जाता है, आधा दिमाग चला जाएगा सिलेक्शन की तरफ। जो आधा दिमाग सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जो आधा दिमाग पढ़ने की तरफ जाना चाहिए, वो आप सिलेक्शन की तरफ ले जा रहे हो। तो आपको क्या है कि आधा दिमाग पढ़ाई की तरफ जा रहा है, आधा दिमाग जा रहा है कि सिलेक्शन कैसे होगा, होगा नहीं होगा। तो जो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वाला दिमाग है उसको लाइए इधर इस साइड कि पढ़ाई की तरफ 100% दीजिए पढ़ाई पर, सिलेक्शन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बारे में सोचोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई करो, अपने मोबाइल्स पर रील्स वाले ऐप डाउनलोड नहीं करना है, ना डाउनलोड है तो हटा दो, इंस्टाग्राम है तुम्हारे में हटा दो, हटाओ अभी। और क्या है तुम्हारे में, वो कौन से ऐप आते हैं, टिकटॉक तो बंद हो गया, और भी आते हैं वीडियो करके, मैंने मुझे पता नहीं है लेकिन आते हैं, इतना मुझे जानकारी है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन है, म्यूजिकली या जो भी है एप्लीकेशन, सारे डिलीट कर देना आज ही, अभी इस वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, पेपरलेस स्टडी, पहला काम आपका वीडियो खत्म होते ही पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है कि वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा ये एप्लीकेशन डिलीट कर देना है, मत रखो, अभी 3 महीने तक नहीं रखो, 4 महीने तक नहीं रखो, 6 महीने, अभी 6 महीने बहुत अच्छा समय है। कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है आपके लिए, एसआई की वैकेंसी है आपके लिए, पटवारी की वैकेंसी है आपके लिए, शिक्षक भर्ती आपके लिए है, जेल प्रहरी, वन रक्षक, इतनी तमाम भर्तियां हैं कि आप एक फार्म भरोगे दूसरा फार्म आ जाएगा, दूसरा फार्म भरोगे तीसरा आ जाएगा, तीसरा पेपर दोगे तो चौथा पेपर आ जाएगा। इतने पेपर आएंगे कि आप भूल जाओगे कि कितने पेपर आएंगे, सच बता रहा हूं। और अगर पटवारी वाला अगर आपने कोर्स कवर कर लिया, पटवारी का वीडियो कोर्स ले लिया, तो उसमें सारा कवर हो रहा है, सारे सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एसआई के लिए अलग से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, टेस्ट सीरीज जरूर बदल जाएगी बस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पढ़ लिया, थक गए तो इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं उपयोग करना। होता क्या है बता देता हूं, इसका कारण, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, कोई ऐसा रील वाला सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, खोला फेसबुक पर भी आती है ये,
स्क्रॉल इतना स्क्रॉल कर लेते हैं, इतना स्क्रॉल कर लेते हैं कि 2 घंटे निकल जाते हैं, 1.5 घंटे निकल जाते हैं, मजा आता जाता है। क्यों आता है मजा? डोपामीन रिलीज होता है, आपका हार्मोन्स रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज हुआ, आपको अच्छा लगा, ले आपको अच्छा लगा, ये ले। और वो कर क्या रहे हैं वो तुम्हें भी पता है, वो वहां पर क्या कर रहे हैं ये तुम जानते हो। मत करूंगा, हटा दो अभी, 4-5 महीने 6 महीने हटा दो, हटाओ अभी, डिस्ट्रैक्शन है ये अपने लिए, इन्हें हटाओ, ये नहीं, गम भरे गाने नहीं सुनना है इस टाइम पे, जो है आपको ऐसे गाने नहीं सुनना है जिसमें आपको क्या है, आपको लो फील होने लगे। ये सब खेल है, ये सब तरीके हैं गड़बड़ होने के। तो लोग गम भरे गाने नहीं सुनना है, अभी सुनिए मोटिवेशन वाले, कर हर मैदान फतेह, भाग मिल्खा भाग, हिंदी वाले सुन सकते हैं मोटिवेशनल, हिंदी वाले सुनिए, हिंदी वाले नहीं सुनना है अंग्रेजी वाले सुनिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए अगर फ्री टाइम मिलता है तो। कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, मैं मैथ जब सॉल्व करता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैथ जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं कान में लगाता हूँ हेडफोन और बढ़िया अपने इंग्लिश सॉन्ग जो भी है लगा दिए, सफल कर दिए, और उसको चलता रहता है वो मुझे मजा आता है, मैं बहुत जल्दी करता हूँ फिर। तो ये ठीक है, ये नहीं करना, विसंगति अथवा मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है इन टाइम पर। क्यों? एक दिन ड्रिंक कर ली, अगला दिन आपका परेशान हो जाएगा, अगला दिन आपका खराब हो जाएगा। लड़कों के लिए विशेष बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार की खैनी, तंबाकू, पुड़िया, गुटखा और जो भी आप करते हो वो नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात का, आपका टाइम खराब हो जाएगा, किसी पार्टी में नहीं जाना है, इस टाइप से काम नहीं करना है। शरीर को जो है चंद मिनटों का जो आराम देने वाला काम होता है, समझ रहे होंगे आप, वो नहीं करना है, उससे एकाग्रता भंग होती है, वो अभी मत करें, जिंदगी पड़ी हुई है उसके लिए। या जो भी आपको शरीर में थकान हो जाती है तो अभी आपको आराम देने का काम नहीं करना है, आपको लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, अभी आपको रेस्ट नहीं देना है। ये नहीं सोचना कि मैं थक गया हूं अब मैं क्या करूं, अब मैं सो लेता हूं, दिन में सो लूंगा। कुछ लोगों की आदत होती है दिन में सो लें, नहीं सोना है, दिन में पढ़ाई करो, रात में भी पढ़ाई करो, बस अपने 6 से 7 घंटे की नींद का ध्यान रखो, अपनी पानी पीने की क्षमता का ध्यान रखो कि आप 3 से 4 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी डेली पी रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर चाहें तो योग या प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं 10-15 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं 5 मिनट की। तो ये सारे काम आपको करने हैं, ये नहीं करना कि आराम दे रहे हैं, आराम से डले हैं 2 घंटे अब आराम करेंगे। फिर शादी पार्टी में दोस्तों के साथ घूमना ये सब बंद कर दो, मस्ती मजाक अभी है, अभी नहीं है, तीज त्योहार सब बाद में मना लेंगे, सब कुछ आ जाएगा। तुम्हारी शादी थोड़ी है, किसी और की शादी है, तुम क्यों नाच रहे हो ना, परेशान मत हो। ये आपको काम नहीं करने हैं, ये काम नहीं करने हैं, ये काम आपको करने हैं। कम समय में तैयारी जादू नहीं होती, SRTR ये आपको फॉर्मूला अपनाना है। 8 सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो बता दिया है, स्ट्रेटजी क्या बनाएं, कैसे बनाएं, इन पर भी हमने चर्चा कर ली हुई है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और क्वेश्चन आपके और आए थे वो मैं अन्य सवालों के जवाब भी आपको दे देता हूं। क्या पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लास होगी? बिल्कुल, पेपरलेस स्टडी चैनल पर फ्री क्लास होगी, लेकिन ये होगी मैराथन क्लास। इस क्लास में आपको सिर्फ निचोड़ मिलेगा, मतलब 200 क्वेश्चन की एक क्लास हुई, उसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आ सकता है, बस संख्या बदलेंगी, हम वो क्वेश्चन लाएंगे आएंगे, वही क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, आंसर लगा देना। कम समय में ज्यादा तैयारी करने वाली क्लास सिर्फ आएंगी पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर, ध्यान रखना, सिर्फ निचोड़ वाली। हमने कांस्टेबल के टाइम पे भी यही किया था और लोगों के नंबर अच्छे आए थे, आप कमेंट में भी जाकर देख सकते हैं वहां पे कि लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारे ये नंबर बने हैं आपकी क्लास देखने के बाद। क्लास कब होगी यूट्यूब पर, जो क्लास होगी वो कब होगी? तो यूट्यूब पर जो क्लास होगी वो 10 से 15 दिन बाद होगी शुरुआत। किस वजह की होगी? सभी सब्जेक्ट की होगी, जितने भी 8 सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी। टेलीग्राम पर क्या मिलेगा? टेलीग्राम पर आपको सभी PDF मिलेंगी फुल फ्री, जितनी भी PDF है हमारी सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो पेपरलेस स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री नहीं मिलेगी क्लास टेस्ट सीरीज, तो भाई साहब फ्री जो क्लास मिलेगी वो यूट्यूब पर मिलेगी। अगर क्लास पूरी डिटेल वाली क्लास लेनी है, ये मिलेगी जो यूट्यूब पर मिलेगी वो MCQ क्लास होगी। डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो आप कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मेरे साथ अन्य टीचर भी पढ़ाएंगे। तो याद रखना कि फ्री नहीं है वो क्लास, क्लास का चार्ज 999। और टेस्ट सीरीज तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ आपको कि 291 रुपये चार्ज है, सस्ते का दाम में अच्छा काम, 20,000 क्वेश्चन की लगभग लगभग प्रैक्टिस, पूरा तैयारी टेस्ट सीरीज से आप कर सकते हैं। तो ये फ्री नहीं है, ये पेड है, इसका ध्यान रखना।
क्या एग्जाम डेट बढ़ सकती है 15 मार्च के आगे बढ़ सकती है डेट? बिल्कुल संभावना है कि 15 मार्च से बढ़ जाएगी, इसका भी कुछ कह नहीं सकते, बढ़ भी सकती है नहीं बढ़ सकती, लेकिन अभी आप मान के चलिए 15 मार्च ही एग्जाम डेट रहेगी। क्या पद संख्या बढ़ सकते हैं? बिल्कुल इसकी भी संभावना बन चुकी है, पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी, पदों की संख्या बढ़ने की संभावना भी है, पद संभावना टोटल लगभग लगभग 6,000 के आसपास जो है हो सकती है। अभी आप पूछोगे कि कौन कह रहा है, तो अभी मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन लगभग लगभग हो सकती है, लेकिन अभी आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। अब भी आपका कोई प्रश्न बचता है तो कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न का आंसर मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। एक चीज, दूसरी चीज कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही करना है, ये टेस्ट सीरीज को जाइए अभी ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है उसकी एक वीडियो मैंने छोटी सी वीडियो बना रखी है दूसरे मोबाइल से, तो वो आप वो देखिए। इसमें आपको 25 फुल टेस्ट, 200 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 250 इंपॉर्टेंट क्विज, सभी प्रश्न जो मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, एनालिसिस करने की सुविधा मिलेगी, रैंक मिलेगी, उत्तर शीट मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर लिखा हुआ है मेरा 9407375009 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपका है, ये नंबर सेव कर लीजिएगा, कभी फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अलावा अगर आप वीडियो कोर्स आप चाहते हैं कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे खुद से तैयारी, आप हमें गाइड कीजिए, आपकी टीम हमें गाइड करे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को मात्र 999 रुपए के शुल्क में। आज ही जाइए पेपरलेस स्टडी ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कीजिए और जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपको लगा हो कि वीडियो में मैंने कुछ नया सीखा, आपको लगा हो मेरे वीडियो इस काम की आई है, मुझे ये चीज अच्छी लगी, पसंद आई है, तो ये वीडियो को लाइक कर देना भाई, गला ना सूख गया है। मुझे लगता है शायद 2 घंटे हो चुके हैं इस वीडियो को, 2 घंटे की ये वीडियो है, गला सूख चुका है, लाइक कर देना भाई। बिना लाइक में मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं बता रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर से जो टेक्निकल यूट्यूबर होता है उससे पूछ लेना, कोई भी पैसा नहीं मिलता। और जिस दिन मैं अपनी रेवेन्यू दिखा दूंगा ना यूट्यूब से मुझे कितना पैसा मिलता है, वैसे लोग कहते हैं ना व्यापारी हैं और ऐसे हैं वैसे, बेटा जिस दिन देख लोगे ना उस दिन जमीन निकल जाएगी, चिप्स खाने के पैसे नहीं इकट्ठे कर पाओगे, महीने भर के चिप्स और बिस्कुट का खर्चा नहीं निकाल पाओगे यूट्यूब चैनल चला, ध्यान रखना, समझ गए ना, ये सब बातें होती है, मिलियंस कमाते हैं, लाखों का कुछ नहीं होता, जिस दिन असलियत में जानोगे ना उस दिन पता चल जाएगा। वो चीज हम शेयर नहीं कर रहे हैं अपने की तरफ से कि यार ठीक है, हम बस हेल्प करना चाहते हैं, हमारा हेल्प करने का जरिया है यूट्यूब, बस हमने ये मान लिया, हमें नहीं करना कुछ भी। शेयर कर देना है आपको इस वीडियो को सभी के साथ, जो भी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2 घंटे की आपने मेरी मेहनत देख ली कि मैंने 2 घंटे में आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी बताई है, ये स्ट्रेटजी आपकी लाइफ बदल सकती है, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनकी जिंदगी इस वीडियो के माध्यम से बदली जा सकती है। तो इस वीडियो को सभी के साथ फैला दो, सभी के साथ शेयर कर दो, ग्रुप में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस लिंक को शेयर करो, ये कहो कि पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो देखो, फेसबुक ग्रुप पर जाओ, फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप हो उस पर शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप पर अगर बंद है लिंक विंक भेजना या कहीं पर बंद है, बैन है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो जाइए 5 मिनट का काम ये मेरे लिए भी आप कर सकते हैं, जब मैं आपके लिए स्लाइड बनाऊंगा, ये करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, तो आप मेरे लिए 5 मिनट का ये शेयर करने का काम नहीं कर सकते। शेयर करने का काम कीजिए, इस वीडियो को सभी जगह फैला दीजिए, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, पूरा गला सूख गया है, और यूट्यूब चैनल पेपरलेस स्टडी, YouTube चैनल पेपरलेस स्टडी को जो है आपको सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करके जो घंटी वाली बटन है उसको ऑल पर सेट कर देना है, ऑल पर सेट करेंगे तो मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वीडियो कोर्स ज्वाइन करें, मात्र 251 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है। कैसे ज्वाइन करना है लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है, और कमेंट करके अब आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक यहां तक देखा है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, तो कुछ ऐसा लिख के बताइए कि हाँ सर मैंने आपको एंड तक वीडियो देखी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो बुरी लगी हो, कोई बात बुरी लग गई हो मेरी, क्या मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, कोई भी चीज बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, आप हो सकता है बुरा मान जाए, लेकिन मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, मैं सच का समर्थन करने वाला व्यक्ति, मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है, मैं खुद पटवारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी पटवारी बने, और मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही पटवारी बने, ठीक है ना। तो चलिए जब तक आप पटवारी बनेंगे तब तक हम और कुछ बन जाएंगे, लेकिन ध्यान करिएगा कि कंटिन्यू जुड़े रहिए पेपरलेस स्टडी के साथ, टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पेपरलेस स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई भी वीडियो की जरूरत हो, कोई भी टॉपिक की जरूरत हो, कहीं नहीं मिल रहा हो कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे।
पटवारी परीक्षा से संबंधित किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुछ समस्या आ रही है, कमेंट कर दो, मैं उसकी वीडियो आपको दूंगा। मैं कहीं से अरेंज करके दूं, मैं किसी भी टीचर को बोल दूं कि सर आप बना दीजिए, सर आप बना दीजिए, तो मेरे सर बैठे हुए हैं, वो सर हाल बना देंगे, मेहनत करेंगे आपके लिए, लेकिन आप बस हमारी सुनिए, हम आपकी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।